एक इंसान को बहुत सारी चीजें बुला रही है, उसके दिल के अंदर ख्वाहिशें होती है, चाहते होती है, उसका नफ्स भी उसे बुरी चीज की दावत देता है। अब उसे चाहिए कि वो सही रास्ते पर रहे। तो तकवा क्या है? तकवा वो ब्रेक है जो उसे गुनाहों से रोकेगा, और तकवा वो एक्सेलरेटर है जो उसे नेकियों में आगे बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग तकवे का एक बहुत ही लिमिटेड माना समझते हैं। लोग ये समझते हैं तकवे का मतलब है गुनाहों से बचना। यस, तकवे का मतलब है गुनाहों से बचना, लेकिन तकवे का यह भी मतलब है कि तकवे और अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह से उम्मीद की वजह से एक इंसान नेकियों में आगे बढ़े। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ये सोचकर जीते हैं कि बस हमें एवरेज लाइफ जीनी है, बस उनका ये गोल होता है, बस एक काम चलाओ जिंदगी एवरेज। तकवा का ये भी मतलब है कि हायर लेवल्स पहुंचने की कोशिश करो, जन्नत के ऊंचे मकाम तक पहुंचने की कोशिश करो। तकवे की ये भी माना है कि तकवे के अंदर एक इंसान अपने अंदर वो चीजें पैदा करने की कोशिश करे जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तकवे का ये भी मतलब है कि वो अचीवमेंट्स हासिल करने की कोशिश करे जिसकी वजह से उसकी नेकियों का तराजू बहुत भारी हो जाए, उसे जन्नत में ऊंचा मकाम हासिल हो जाए। तो तकवे का यही मतलब नहीं है कि गुनाहों से बच जाना है। यस, गुनाहों से बचना ये तो है ही, लेकिन हायर लेवल तक पहुंचना ये भी तकवे का रिक्वायरमेंट है। तो हम देखते हैं तकवा लअल्लकुम तत्तकून, ये गोल है। और तकवे का एक बहुत खूबसूरत डेफिनेशन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया, और मुझे ये रिवायत सही सनद से मिल गई, लेकिन एक और इसी तरह की नरेशन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से भी मशहूर है जो मुझे सर्च करने के बाद भी मिल नहीं पाया। तो हम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से देखते हैं कि उनसे पूछा गया कि मत तकवा, तकवा क्या है? तो उन्होंने कहा अखस्ता तरीकन ज़ा शौकिन, अगर तुम एक ऐसे रास्ते पर चलो जिसमें कांटे हैं, कांटेदार रास्ता है। काला नाम, कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि ऐसे रास्ते पे तुम चले हो जिसपे कांटे हैं। तो उनको पूछने वाले ने जवाब किया, अबू सौले ताबई है, उन्होंने कहा हाँ। कैफा सनाता, कैसे चले तुम उस रास्ते पर, तुम कैसे अपने अपने आप को कंडक्ट करते हो? काला इजा राय तशव का अदल तुआन हूँ और जावस्तु हूँ, अगर मुझे कोई कांटा दिख रहा है तो बस मैं अपने आप को बचाता हूँ या उससे बच के निकलता हूँ। औ कसुर तुआन हूँ कला जाकत जाकत तकवा, तो या उससे संभाल कर बच के निकल जाता हूँ, मतलब कोई कांटा है तो उससे अपने आप को बचा के निकल जाओ, अपने कपड़े फंस जाएंगे। और आप खुद इमेजिन करो अगर कांटीदार झाड़ियां हैं अगर दोनों तरफ और हमें वो रास्ते से निकलना है तो कैसे आदमी संभालेगा, अरे मेरे कपड़े फट ना जाए, मेरे बॉडी पे कोई खरोश ना आ जाए, कोई जख्म ना हो जाए, कैसे संभाल के निकालेगा अपने आप को। ये है तकवा, मतलब दुनिया के अंदर जो सारी बुराइयां हैं उससे बचकर एक इंसान निकले, वो है तकवा। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक तकवे की इंपॉर्टेंस का टॉपिक, और मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ 5 पॉइंट्स। और ये 5 पॉइंट्स याद रखने के लिए बहुत सारे हैं और जो हम सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये गोल है तकवा हासिल करना, ये रमदान के रोजों का गोल है। और दुनिया के अंदर अगर हमें तकवा मिल जाए, मतलब हमारी गाड़ी के अंदर एक अच्छा सा ब्रेक आ गया, मतलब हमारी गाड़ी में एक अच्छा एक्सेलरेटर आ गया जिसकी वजह से हमारी गाड़ी नेकियों में आगे बढ़ेगी, गुनाहों से बचेगी इंशाल्लाह। तो तकवे का फायदा क्या है? Why to achieve तकवा? तकवा क्यों हासिल करें? What is the benefit? आइए रिन्यू करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने अपने उस जज्बे को ये 5 पॉइंट्स की रोशनी में। सबसे पहली वजह कि तकवे का बदला, तकवे का अजर जन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वसारिउ इला मगफिरति मिन रब्बिकुम, अपने रब से मगफिरत, बख्शिश, मगफिरत, फॉरगिवनेस हासिल करने में जल्दी करो। वह जन्नतिन, एक और एक ऐसी जन्नत हासिल करने में जल्दी करो। अर्दुहा समावातु वल अर्द, जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन जितनी है। इद्दत लिल मुत्तकीन, जो तकवे वालों के लिए तैयार की गई। जो जन्नत है किसके लिए तैयार की गई? तकवे वालों के लिए तैयार की गई। यानी अगर हमारे पास तकवा है तो जन्नत में एंट्री है, तकवा नहीं है, तकवे वाले नहीं है हम, तो हमें जन्नत में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि जन्नत तैयार ही की गई है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, तकवे वालों के लिए तैयार की गई। क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड ही होता है, बोले नहीं हम लोगों को तकवा नहीं चाहिए भाई, ये सब तकवा परहेजगारी हमारे लिए नहीं है, हम नॉर्मल लोग हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं तो जन्नत में एंट्री नहीं है, क्योंकि जन्नत में उइद्दत, जन्नत तैयारी की गई है किसके लिए? लिल मुत्तकीन, तकवे वालों के लिए तैयार की गई है। अगर तकवा नहीं है तो हम क्वालिफाई नहीं होते हैं जन्नत के लिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जन्नत उसका बदला है, और ये बात को हम सब याद रखें इंशाल्लाह।
सेकेंड चीज सूरह हुजरा की आयत है, सूरह 49 आयत नंबर 13, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाले वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा तकवे वाले हैं। हमारे माशरे में पैसे वालों की इज्जत है, पावर मनसब मकाम पोजीशन वाले लोगों की अहमियत है, मकाम है, भाई ये एमपी आए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये वहां के लीडर हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक किस चीज की अहमियत है, किस चीज के लिए इज्जत है अल्लाह के नजदीक? इन अकरमकुम इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक कौन है जो इज्जतदार है? अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा इज्जत वाले अल्लाह के नजदीक। यानी कि अगर हमारे पास तकवा है तो अल्लाह के नजदीक हमारी अहमियत है, अल्लाह के नजदीक हमारे लिए मकाम है, अल्लाह ताला की नजरों में हमारे लिए इज्जत है। तो अल्लाह की नजरों में इज्जत पाना ये तकवे का सेकंड बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट हमने क्या देखा? जन्नत। इससे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है? और सेकंड बेनिफिट क्या है? वो है तकवा। थर्ड चीज ये है कि तकवे वालों को क्या मिलेगा? अब ये आयत पढ़िए, अल्लाह ताला ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखो अल्लाह के दोस्तों पर, जो अल्लाह के औलिया है, अल्लाह के जो दोस्त हैं, उन पर ना खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। अल्लदीना आमनु व कानु यत्तकून, ये वो लोग जो ईमान ले आए और जिनके पास तकवा है। तो जिनके पास ईमान है और तकवा है, ईमान और तकवा है, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या कहा? वो अल्लाह ताला के दोस्त हैं। और अल्लाह ताला की दोस्ती बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि फिर अल्लाह दुनिया आखिरत दोनों में मुहाफिज है। दुनिया के मामलात हो, चाहे कुछ भी हो, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी दुनिया में हेल्थ है, आपका कुछ भी मामला, अल्लाह आपका मददगार, खुसूसी मदद अल्लाह ताला की आपको महसूस होगी। तजिद हु तुजाह, तुम पाओगे अल्लाह को अपने साथ। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक कंसेप्शन हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए, जैसे बाज लोगों ने ये बना रखा है कि तकवे वाले ये औलिया अल्लाह तो एक खास जॉनर है। मतलब लोगों ने ऐसा बना रखा है कि औलिया अल्लाह यानी कि वो तुम पहुंच नहीं सकते, तुम आम इंसान औलिया बनोगे, वली बनोगे अल्लाह के, वो वली तो एक अलग ही, जैसे अंबिया होते थे तुम नबी नहीं बन सकते ना, तो वैसे वली भी नहीं बन सकते, औलिया यानी कि एक अलग ही कैटेगरी। लेकिन ये सोच एक्चुअली गलत है, क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये तारुफ मिलता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो लोगों के पास ईमान है और तकवा है, ये लोग हैं जो अल्लाह के वली हैं, ईमान वाले और तकवे वाले। तो ईमान क्या हम में से किसी के पास है? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या हम में से किसी के पास तकवा हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हम में से कोई अल्लाह का वली और दोस्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अल्लाह ताला के वली बनने का जो एक गोल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये गोल तब हासिल होगा जब हम तकवे के लिए अपने आप को ओपन करेंगे, तकवे के लिए अपने आप को ओपन करेंगे, ये तीसरी बात है। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल का जवाब जो आप देंगे, ये पोल में आपके सामने सवाल आ रहा है, इसके बेसिस पर मैं आगे आपको बात बताऊंगा। सवाल ये है कि तकवे वालों को दुनिया में कैसी जिंदगी मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन शकील भाई आप पोल लॉन्च करें। फर्स्ट ऑप्शन, दुनिया में ज्यादा चांस गरीबी के लेकिन आखिरत बहुत अच्छी, मतलब दुनिया में गरीबी की जिंदगी लेकिन आखिरत बहुत अच्छी, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, सेकेंड ऑप्शन, दुनिया में ज्यादा चांस मालदारी और आखिरत बहुत अच्छी। और थर्ड ऑप्शन, दुनिया में गरीबी मालदारी इक्वल चांस लेकिन आखिरत बहुत अच्छी। तो क्या है चांसेस, ज्यादा चांस क्या चीज का है? जरा पढ़िए, तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आप सबके सामने ये बात रख रहा हूं, मैं आपकी सोच जानना चाहता हूं। कि फर्स्ट ऑप्शन ये है कि जो तकवे वाले लोग हैं ना, उनको ज्यादा चांसेस है गरीबी की जिंदगी मिलेगी। सेकेंड ऑप्शन है कि ज्यादा चांसेस है मालदारी की जिंदगी मिलेगी। थर्ड ऑप्शन है कि गरीबी मालदारी दोनों के इक्वल चांस है। चलिए, जो भी आपको सही लगता है आप वोट करिए, एक ही वोट कर सकते हैं, सिंगल चॉइस है। थ्री सेकेंड्स, माइंड मेकअप करें और वोट करें। थ्री टू वन एंड पोलिंग। ओके, देखते हैं रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ये है कि 23% स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ज्यादा चांसेस गरीबी के हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है, 11% स्टूडेंट्स ने कहा ज्यादा चांसेस मालदारी के हैं, और 66% कहते हैं दोनों के बराबर चांसेस लग रहे हैं। आइए हम कुछ आयात अहदीस पर गौर करेंगे और फिर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम ये देखते हैं कि सूरह तलाक, सूरह नंबर 65 वर्सेस 2 एंड 3 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह,
जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो शख्स तकवा इख्तियार करे, यजअल्लाहु मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। हाँ, तो मखरजा, मखरज यानी रास्ता। प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जिंदगी में मुश्किलें आ जाती, कोई रास्ता समझ में नहीं आता है, तो तकवे वालों के लिए अल्लाह रास्ता निकालता है, यजअल्लाहु मखरजा। और फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वयरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे वहां से रोजी देगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता है, जहां से सोच भी नहीं सकते हैं वहां से अल्लाह ताला रोजी देंगे। तो वयरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसिब, तो ये जो बात आई है ना मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिस्क इस्लाम के अंदर जो है ना बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, सिर्फ पैसा नहीं है, सेहत भी रिस्क है, अच्छी कंपनी, अच्छे लोग, अच्छे फैमिली मेंबर्स, ये भी एक रिस्क है, एक रिस्क है। बहुत बड़े पैसे खर्चा करके आप एक अच्छे नेक औलाद नहीं ला सकते हो, ये भी रिस्क है। एक अच्छी अच्छी बीवी, अच्छे शौहर नहीं ला सकते हो, ये भी रिस्क है। जो हमारे आसपास लोग होते हैं वो भी रिस्क है, जो हमें मेंटली जो पोजीशन मिलती है वो भी हमारा रिस्क है, और पैसा भी रिस्क है, खाना जो मिलता है वो भी रिस्क है, गिजा मिलती है वो भी रिस्क है। कई बार पैसा बहुत होता है लेकिन खा नहीं सकता है आदमी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं, कुछ अंदर जा ही नहीं सकता, तो वो रिस्क, उसका रिस्क नहीं बन पा रहा है। तो हम देखते हैं अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जिसके पास तकवा होगा, अल्लाह ताला उसके लिए दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेंगे और वहां से रिस्क देंगे जहां से वो सोच भी नहीं सकता है। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे एक इंडिकेशन क्या मिल रहा है, इंडिकेशन अल्लाह आलम, अल्लाह नोस बेस्ट, के मालदारी के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और हम देखते हैं सहाबा में से जो बाद के दौर में जिंदा थे, वो लोगों को दुनिया में ही इतना माल मिल गया कि वो लोग सोचते थे कि कहीं हमें अपनी नीकियों का अजर दुनिया में तो नहीं मिल गया है। और तारीख गवाह है कि जब भी लोग नेकी के रास्ते पे चले हैं, उसके कुछ वक्त के बाद एक ऐसा वक्त आया जब उनको दुनिया में खुशहाली मिली है। नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से वादा किया था, पिछले कई नबियों ने अपने कौम से वादा किया था कि अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा अगर तुम तौबा करो, इस्तिगफार करो। तो हम देखते हैं ये जो कंसेप्शन है ना लोगों के माइंड में, यानी तकवा यानी गरीबी की जिंदगी गुजारना पड़ेगा, इसकी प्रूफ नहीं मिल रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्रूफ हमें ऑपोजिट साइड पे मिल रहा है। ये मैं बात क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान होते हैं कमजोर, और कई बार क्या होता है जब चॉइस होता है तकवा यानी गरीबी और नो तकवा यानी अमीरी, जब ऐसी सोच शैतान देता है लोगों को तो कई बार लोग फिसल जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी वादा किया था कि तुम तौबा करो, अल्लाह ताला अच्छी बारिश भेजेगा, और युमदिदकुम बि अमवालिहिम व बनीन, माल से तुम्हारी मदद करेगा, औलाद से तुम्हारी मदद करेगा। तो ये माल का, दुनियावी माल का वादा कर रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम, और कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, और ये चीज मिलेगी लेकिन बोनस है, वो गोल नहीं होना चाहिए। तो ये हमने चार चीजें तकवे के ताल्लुक से देखी। पांचवा पॉइंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखिए इस आयत को, इसमें एक बहुत बड़ा खजाना है इस आयत में। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल लदीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्ला, अगर तुम तकवा इख्तियार करो, यजअल लकुम फुरकाना, अल्लाह ताला तुम्हें फुरकान दे देगा। फुरकान यानी फर्क करने की सलाहियत, फर्क करने की सलाहियत दे देगा। वह युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। हाँ, तुम्हारे अंदर तुम्हारी सय्यात जो है ना, कमियां, अल्लाह ताला वो दूर कर देगा। वह यग़फ़िर लकुम, तुम्हें माफ कर देगा। तीन चीजें जिक्र है। फर्स्ट चीज, यजअल लकुम फुरकाना, अल्लाह ताला तुम्हें फुरकान देगा। फुरकान यानी फर्क करने की सलाहियत देगा। बाज लोग क्या बोलते हैं ना, बोले सही क्या है, गलत क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, हलाल क्या है, हराम क्या है, सब कंफ्यूजिंग है, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, सुन्नत क्या है, बिदत क्या है, सब कंफ्यूजिंग लगता है। मतलब वो फर्क नहीं कर पा रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर किसी के पास तकवा हो तो अल्लाह ताला उसे यजअल लकुम फुरकाना, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि अल्लाह तुम्हें फुरकान देगा, यानी फर्क करने की सलाहियत देगा, यानी सही क्या है, गलत क्या है, समझ में आएगा। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत ही कीमती चीज है दुनिया में ना, बहुत कीमती चीज है कि आपके पास फुरकान हो, फर्क करने की सलाहियत हो। स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं ना, शैतान फिसलाने की कोशिश करता है, शैतान चालें चलता है। हमारे परदादा आदम अली इस्लाम की को कैसे धोखा दिया था, कैसे धोखा दिया था, आज हम में से कईयों के इम्तिहान चल रहे हैं, शैतान उन्हें फिसला रहा है, नेकी के नाम में कई बार फिसलाता है। तो उसमें फुरकान चाहिए होता है, फर्क करने की सलाहियत चाहिए होती है, ताकि धोखे को समझ सके, ताकि शैतान की चालों को समझ सके। तो ये कैसे मिलेगा, ये तकवे के जरिए मिलेगा। अगर हमारे अंदर जेन्युइनली तकवा है, परहेजगारी है, हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे सही क्या है, गलत क्या है। क्या आपको पता है आज हराम चीजें नाम बदल करके आती,
सूद नाम बदल करके आता है, शराब नाम बदल करके आएगा कयामत से पहले। और ये पेशेंट को ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई सारी हराम चीजें हैं जो हलाल के सर्टिफिकेट भी लेके आ जाते हैं, अच्छे नाम लेकर आ जाते हैं, उसके अंदर फुरकान चाहिए होता है। कई बार शैतान धोखे देता है, ऐसे धोखे देता है कि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग नेकी के जज्बे से आगे बढ़ते हैं लेकिन शैतान के धोखे में जाके फिसल जाते हैं, फर्क नहीं कर पाते हैं। तो तकवा क्या है ना, तकवे से फर्क करने की सलाहियत मिलती है। जब हम दिली तौर पे अल्लाह ताला से तकवा मांगेंगे और तकवा इख्तियार करेंगे, तकवा जिंदगी में वेलकम करेंगे, तो फिर हमें एक और चीज मिलेगी कि यजअल लकुम फुरकाना, अल्लाह ताला तुम्हें फुरकान दे देगा, फर्क करने की सलाहियत दे देगा। सेकेंड चीज क्या होगी, युकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी जो गुनाह दूर कर देगा। जो होता है ना, एक इंसान कमजोर होता है, खुलकल इंसानो दईफा, अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान के, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को कमजोर बनाया गया है, और कुल इब्न आदम खता, सारे आदम की औलाद से खताएं होती हैं। तो ये जो खताएं होती है इनसे दूर, जैसे हम तो दुआ करते हैं नमाज की शुरुआत में, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, अल्लाह दूर कर दे मुझे मेरी खताओं से, अम्मा बात का बैन अलमशिक व मगरिब, जैसे तूने मशिक को मगरिब से दूर कर दिया इस तरह से मुझे खताओं से दूर कर दे। तो युकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा, तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा, नेकी की जिंदगी मिलेगी, और वो यगफिर लकुम, जो कमियां हो गई है वो माफ भी कर देगा। यानी आगे की जिंदगी का वादा यहाँ पे दिख रहा है, युकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम व यगफिर लकुम में कुछ गुजरे हुए मामला या आगे भी जो गुनाह होने वाले हैं उन्हें भी अल्लाह ताला माफ करेगा, दोनों चीजें हमें मिल रही है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये पांच पॉइंट्स सामने हैं, आइए हम सेकेंड सेक्शन पे पढ़ते हैं, तकवा हासिल कैसे करें, क्योंकि रमदान का मेन मकसद है लाल लकुम तत्तकून। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको 10 पॉइंट्स बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं, क्या हमें तकवा चाहिए? अगर तकवा चाहिए नहीं ना, ऐसे ही मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चलिए पोल में देखते हैं कि क्या चाहे बगैर तकवा हासिल कर हो सकता है? आदमी चाहता नहीं है, हाँ चाहता नहीं, चाहिए नहीं, बस ऐसे ही तकवा मिल जाएगा। जैसे बाज लोग क्या समझते हैं कि रमदान में रोजा रखेंगे, चाहिए नहीं चाहिए तुम्हें तकवा मिल जाएगा, तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए तुम तकवे वाले बन जाओगे। ऐसा है कि तकवा नहीं चाहिए तो भी मिल जाएगा, हाँ, या चाहे बगैर नहीं मिलता है? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या सही लग रहा है? जो सही लगता है उसे वोट करिए, 3 सेकेंड्स मिलेंगे। 3, 2, 1, इजी सवाल है, हाँ या नहीं जवाब देना है बस। एंड पोलिंग रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में से 94 कह रहे हैं नहीं, तकवा चाहे बगैर नहीं मिलता, और 6% स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं, चाहे बगैर भी मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस बारे में सही बात। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सोचो जोरदार बारिश हो रही है लेकिन ये बाल्टी जो है ना उल्टी रखी हुई, जैसा आप देख रहे हैं, क्या पानी जमा होगा? जोरदार बारिश हो रही है, नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बाल्टी उल्टी है ना। तो पर्पस ऑफ फास्टिंग क्या है? तकवा हासिल करना। तो तकवा सीखने का महीना है, इसमें जैसे कि रहमतों की अल्लाह की बारिश होती है, लेकिन अगर हमें तकवा नहीं चाहिए ना, रमदान गुजरेगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, जिंदगी में रमदाने आएगी जाएगी, तकवे के बगैर ही एक इंसान आगे कंटिन्यू हो जाएगा। लाल लकुम ततकून, तकवा हासिल करने का महीना है, तकवा सीखने का महीना है, लेकिन नहीं हासिल होगा और नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हासिल हुआ है क्योंकि आदमी को चाहिए नहीं, एक इंसान को नहीं चाहिए तो नहीं मिलने वाला है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए हम सब यहाँ जो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस नेक मकसद के लिए जमा है, अपनी रमदान को खूबसूरत बनाने के मकसद के लिए जमा है, आइए हम अपने दिलों को ओपन करते हैं कि हमें तकवा चाहिए, हमें चाहिए, हमें फुरकान, फर्क करने की सलाहियत चाहिए, हमें अल्लाह ताला का दोस्त बनना है, हमें दुनिया में भी अल्लाह का रिस्क दिया हुआ रिस्क चाहिए, हलाल रिस्क, आखिरत का भी अल्लाह ताला, आखिरत में भी अल्लाह ताला का दीदार चाहिए, जन्नतुल फिरदौस चाहिए। तो तकवे के लिए अपने दिल को ओपन करें कि मुझे तकवा चाहिए, मुझे तकवा चाहिए, आई वॉन्ट तकवा, जन्नत में एंट्री है तकवे वालों की, मुझे जन्नत जाना है, मुझे तकवा चाहिए, अपने दिल को ओपन करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, सूरह नजम में सूरह 53 आयत नंबर 39,
वाना लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए नहीं है सिवाय वो जिसकी वो खुद कोशिश करे, जो कोशिश करोगे ना वही मिलेगा, तुम्हें नहीं चाहिए ना नहीं मिलने वाला, तुम्हारा दिल चाहता ही नहीं है नहीं मिलने वाला, यही रूल है। आप देखिए बहुत सारी आयत हदीस में बात हमें समझ में आती है, अल्लाह ताला ने फरमाया वयहदी इलैही मन अनाब, अल्लाह उसकी तरफ पलटता है जो अल्लाह की तरफ, हाँ यह अल्लाह उसे अपने रास्ते की हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ पलटता है, अनाब अल्लाह की तरफ झुकता है, अल्लाह की तरफ पलटता है, अल्लाह की तरफ टर्न होता है, अल्लाह उसे हिदायत देता है। हिदायत किसे देता है, किसे देता है? ऐसे किसी को पकड़ करके रैंडम किसी शख्स को हिदायत मिल गई, जैसे बाज लोग कहते हैं ना अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, तो ऐसे होता है क्या कि रैंडम रस्ते चलते किसी इंसान को हिदायत मिल गई, किसी को नहीं मिली, किसी को तकवा मिल गया नहीं मिला, बस ऐसे ही रैंडम ऑर्डर, हाँ कैसे ऐसे ही पब्लिक में से कोई भी निकल के आता है तकवा मिल गया इसको और किसी को नहीं मिला, नहीं अल्लाह उसे हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ पलटता है। अगर अल्लाह ने हिदायत नहीं दी किसी को तो वो पलटा नहीं होगा अल्लाह की तरफ, उसके पास रीजन नहीं होंगे, व्हाई शुड ही गेट तकवा। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शकीर भाई प्लीज कंफर्म करें मेरी वॉइस क्लियर है ना, तो हम ये देखें कि तकवा ऐसे नहीं मिलता है, तकवा तब मिलेगा जब एक इंसान चाहेगा, जब एक इंसान चाहेगा तब तब जाकर तकवा मिलेगा। हाँ ये बहुत वेरी क्लियर है, जब वेरी क्लियर, योर साउंड इज वेरी क्लियर, हां जज़ाकअल्लाह खैर। तो एक ही हदीस देखिए सही बुखारी की, इसमें हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, ये हदीस देखिए उमय यस्ताफिस युइफ़ाहुल्लाह, जो पाकी चाहता है अल्लाह उसे पाक बना देगा, उमय यस्तगनी युग्नीहिल्लाह, जो गनी होना चाहता है अल्लाह उसे गनी बना देगा, उमय यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, जो सब्र चाहता है अल्लाह उसे सब्र दे देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये पॉइंट है, अगर तकवा चाहिए नहीं ना तो नहीं मिलने वाली। तो हम तकवा कैसे हासिल करें, अगर हम रमदान का मकसद हासिल करके जाना चाहते हैं तो हमें अपने दिलों को ओपन करना होगा फॉर तकवा। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, आपको कुरान और हदीस में ऐसी बहुत सारे दलायल मिलेंगे जहां पे तकवा का जिक्र ईमान के साथ, जैसे औलिया अल्लाह वाली आयत अभी थोड़ी देर पहले गुजरी है ना, अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान ले आए और तकवा इख्तियार। ईमान ले आया तकवा इख्तियार किए, ईमान तकवा, ईमान तकवा, ईमान तकवा साथ में मेंशन है, क्यों मालूम है आपको? तकवा परहेजगारी तब चाहिए जब एक इंसान का रियल ईमान है आखिरत पर, ईमान है ना कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया वो सच्चा वादा किया, उनकी कई की हुई पेशन गोईयां सही हो चुकी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आगे की पेशन गोईयां भी सही होगी और कयामत का दिन आएगा। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला इंसानों में इंसाफ करेगा, नेकों को नेकी का बदला मिलेगा, गुनाहों को गुनहगारों को गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई माने या ना माने ये रियलिटी है, इंसानों को बनाने वाला है हमारा क्रिएटर है, उसने बनाया तो हम बने हैं, हमने अपने आप को नहीं बनाया है, हम कोई एक्सीडेंट से नहीं बन गए हैं, हम प्लान से बने हैं और जिसने हमें बनाया उसकी हमारी रग रग पे पकड़ है, जर्रे जर्रे पे कायनात की पकड़ है, वो इंसानों को ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, इंसानों का इंसाफ होगा, कयामत का दिन आएगा, हम जिंदा होंगे, हम अपने तराजू के सामने खड़े होंगे, अब एक तरफ नेकियां होंगी दूसरी तरफ गुनाह होंगे, नेकियां ज्यादा होगी तो जन्नत मिलेगी, गुनाह ज्यादा होंगे तो जहन्नम मिलेगी, कारनामे कामों का बदला मिलेगा, जजा मिलेगा मिलेगी सजा मिलेगी, रिकॉम्पेंसेशन मिलने वाला है, ये रियलिटी है, चाहे कोई माने या ना माने ये रियलिटी है, सारे नबियों ने यही पैगाम दिया, कुरान में यही पैगाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम दिया, ये होने वाला है, ईमान है तो तकवा जरूरी है, ईमान से डिसीशन होता है तकवे का, ईमान है ना तो तकवे का डिसीशन हो जाता है, मुझे तकवा चाहिए क्योंकि मेरा ईमान है, ईमान से कनेक्शन है तकवे का, जब ईमान है तो तकवा नेसेसरी है, ईमान से जस्टिफाई होता है, तकवे के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी, लज्जतों की जिंदगी जीकर बस ऐशो आराम जीकर एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट लगकर फिर चले गए जहन्नम। तो एक इंसान का ईमान है, वो ईमान की वजह से उसके अंदर एहसास होता है, उसके अंदर ये बात का रियलाइजेशन होता है मुझे जन्नत जाना है, मुझे जलील नहीं होना है कयामत के दिन, कल मेरे कारनामे मेरे आमाल मेरे आंखों के सामने जब होंगे
तो मैं क्या करूंगा, बच के कहां जाऊंगा, कोई मदद तो करने वाला नहीं है, सबको खुद की पड़ी होगी, तो कोई नेकियां अपनी देने वाला नहीं है, मेरे पास नेकियां है या नहीं, तो ईमान की वजह से तकवा। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबसे पहला सवाल और जिसका जवाब हमें अपने आप को देना है कि मुझे तकवा चाहिए नहीं चाहिए, तकवा चाहिए तो ही मिलेगा, नहीं तो बाल्टी वही उल्टी रहेगी, रमजान आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, तकवा नहीं होगा। और यही तो प्रॉब्लम है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा नहीं कि रमजान आई नहीं, आज तक बहुत रमजानें आई है, हम में से बहुत सारे लोग जो यहाँ है ना बहुत रमजानें देख चुके हैं, लेकिन क्या तकवा हासिल हुआ, नहीं हुआ। हमारी उम्मत का ये मामला है कि अक्सर लोगों के पास उनके आमाल जो ओपन दिख रहे हैं, जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, जो गुनाह के काम आम है, जो शिर्क और बिदात आम है, तो तकवा जाहिर सी बातें नहीं है, क्यों नहीं है, तो रमजान नहीं मिली क्या, आई और गई, लेकिन तकवा चाहिए नहीं चाहिए। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए दिलों को ओपन करें, मुझे तकवा चाहिए, आई वॉन्ट तकवा, ओपन करें, ओपन करेंगे तो ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, के क्या हमें तकवा परमानेंटली चाहिए या टेम्पररीली चाहिए, क्यों? बाज लोग नेकी का रास्ता लेते हैं रमदान में, रमदान में नेक बनते हैं, जैसे रमदान खत्म होती है तो रास्ता छोड़ देते हैं, गुनाहों के रास्ते पे चले आते हैं, एक महीना नमाज पढ़ते हैं अच्छी तरह से, जैसे ही रमदान खत्म होती है नमाजें छोड़ देते हैं, एक महीना नेक कामों में आगे रहते हैं, जैसे रमदान खत्म होती है छोड़ देते हैं। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें ये सवाल का जवाब देना है कि मुझे टेम्पररीली तकवा चाहिए कि परमानेंटली तकवा चाहिए। अब ये हदीस पे हम गौर करते हैं, ये हदीस सुनन इब्न माजा में हसन सनद से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि इंदा कुल्ली फित्रिन उतका, अल्लाह ताला के लिए इफ्तार के वक्त पर आजाद किए जाते हैं, वज़ालिका फी कुल्ली लैला, और ये रमदान की हर रात में होता है, कुछ लोग आजाद किए जाते हैं, कहां से, जहन्नम की आंख से आजाद होते हैं, उतका आजाद होते हैं, कहां से, जहन्नम की आंख से आजाद होते हैं, रोज रात ये होता है, रमदान की हर रात में होता है कि लोग जहन्नम की आंख से आजाद होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि रमदान के अंदर जन्नत का रास्ता लिया और जैसे रमदान खत्म हुई जहन्नम का रास्ता लिया, तो क्या हम इसे कहेंगे जहन्नम की आंख से आजाद हुआ, उतका मिनन्नार, जहन्नम की आंख से आजाद हो गए, क्या इसे कहेंगे हम कि टेम्पररीली नेक रास्ता ले रहे हैं जन्नत की तरफ, जैसे रमदान खत्म हुई जहन्नम की तरफ रास्ता, इसे कहेंगे जहन्नम की आंख से आजाद होना? आप सबका क्या ख्याल है, मैं सुनना चाहता हूं आपसे, क्या इसे आजाद होना कहेंगे? व्हाट डू यू थिंक, कौन जवाब देगा, रेज योर हैंड प्लीज। जी यस सिस्टर सिमी, सिस्टर सिमी का रूल के लिए जी, सिस्टर बतूल खान जी, आप लोग जवाब दें, एस के खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। जी जो पहले रमजान में तकवा अख्तियार करे, मतलब हाँ, जन्नत का रास्ता अख्तियार करे, फिर बाद में गिव अप करके टर्न हो जाए, तो वो जन्नत का रास्ता असल में नहीं लिया, क्योंकि फिर उसने छोड़ दिया ना, जो परमानेंटली तकवा अख्तियार करे और परमानेंटली जन्नत का रास्ता ले दिल में ये नियत करके, तो वही जन्नत का रास्ता पकड़ा, नहीं तो नहीं पकड़ा। मेरा सवाल ये है सिस्टर कि रमदान में जन्नत का रास्ता लिए, रमदान के बाद छोड़ के जहन्नम का रास्ता ले ले, तो क्या इसे उतका मिनन्नार, जहन्नम की आंख से आजाद कहेंगे ऐसे शख्स को? नहीं नहीं कहेंगे। अगर कोई शख्स आजाद हो रहा है तो उसमें क्या क्या आपको लगता है क्या मिलना चाहिए? ऐसे शख्स को नहीं कहेंगे जहन्नम के रास्ते से आजाद। जी तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जजाक लक है, यहाँ पे पॉइंट जो मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने लाना, वो ये पॉइंट लाना चाह रहा हूँ कि जहन्नम से आजादी किसे कहते हैं, जहन्नम से आजादी किसे कहते हैं, इसे आजादी नहीं कहते हैं, ये मेक बिलीव बात है कि आदमी अपने आप को कह रहा है बस हो गया मैं जन्नत में, इबादत कर लिया रमदान में, इसे आजादी नहीं कहते हैं। आजादी किसे कहते हैं कि कोई शख्स जन्नत का रास्ता लिया और रमदान बाद भी उसी रास्ते पे रहे। हाँ यानी कि पानी, एक तो देखो, एक तो ये केस था, एक केस क्या था, एक केस था ये वाला, बारिश हो रही है, बाल्टी बाल्टी क्या है उल्टी है, ये एक केस हुआ, मतलब जमा ही नहीं हुआ, रमदान आई गई कुछ भी जमा नहीं हुआ। सेकंड केस मैं आपको बता रहा हूं ये वाला, ये क्या है, आप में से कोई इसको समझ पा रहा है क्या, आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसका क्या मतलब है, मैं ये फोटो से क्या बताना चाहता हूं? यस सिस्टर अतिका,
जी इन्होंने तकवा जमा तो किया लेकिन रमजान जाने के बाद सब बहा दिया। बहा दिया यानी कि पानी इनके पास जमा तो हुआ था, बारिश हुई पानी सब... जमा हुआ, लेकिन जैसे जमा हुआ फेंक दिया उन्होंने, रमजान गई तकवा जो आया था गया। तो बहुत सारे लोगों का यही मामला होता है कि सैड बात यह है कि बाज लोगों की तो बाल्टी उल्टी है और बाज लोग टेम्परेली चाहिए उनको, टेम्परेली जन्नत का रास्ता चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ तो ये हो गए दो पॉइंट्स, यानी तकवा चाहिए और परमानेंटली चाहिए, परमानेंटली चाहिए टेम्परेली नहीं चाहिए। तीसरी चीज मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तकवा कैसे बढ़ता है एक इंसान में, उसके साइंस को हमें समझना चाहिए कैसे बढ़ता है। जैसे पेड़ कैसे बढ़ते हैं, उसको पानी मिलता है, अच्छी रोशनी मिलती है, हवा मिलती है, वो ग्रो होता है ना, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अच्छी गिजा मिलती है, वो पेड़ बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो तकवा कैसे बढ़ता है, तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये बात याद रखिए कि एक इंसान का तकवा ग्रो होता है नेक कामों से। जब हम नेक काम करते हैं ना, एक तो चीज सवाब मिलती है, लेकिन एक और चीज मिलती है कि तकवा बढ़ता है एक इंसान का। तकवा क्या है, एक्सेलरेटर और अच्छा हो रहा है, वो गुनाहों से बचने का ब्रेक स्ट्रांग हो रहा है। यानी नेक काम करते जाते हैं ना तो नेकी तो मिलती ही मिलती है, एक चीज और मिलती है उसके साथ कि नेकी का जज्बा भी मिलता है, तकवा भी मिलता है। कुरान और हदीस में ऐसे बहुत सारे दलायल है, बहुत सारे प्रूफ है जिससे हमें ये बात समझ में आती है कि जब नेकी के काम करते हैं तो और नेकी के काम करना आसान हो जाता है। और ये चीज से क्या पता चल रहा है कि जब नेकी के रास्ते पे चलते हैं तो तकवा मिलता है एक इंसान को। हाँ तकवा मिलता है, बहुत प्यारी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकवा हा हुना व युशीरु इला सदरिहि थलाथा मर्रात, कि तकवा तो यहाँ है और अपने सीने की तरफ इशारा किया। अब तकवा कहाँ है, सीने में। तकवा कोई देख नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, लेकिन ये तकवा कैसे बढ़ता है, नेकी के कामों से बढ़ता है। तो बाहर के आमाल से दिल का तकवा बढ़ता है, बॉडी के जो एक्शंस है उससे दिल में तकवा इंक्रीज होता है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स याद रखिए, कई बार क्या होता है, शैतान का एक धोखा होता है, शैतान कहता है तुमने तो बहुत नेकियां किए हैं, थोड़ा सा गुनाह कर लो। अब एक इंसान जब गुनाह करता है ना तो वो क्या करता है, अपने तकवे को तोड़ता है, गुनाह के कामों से तकवा कम होता है, नेकी के कामों से तकवा बढ़ता है। हाँ ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4 कि गुनाह के कामों से तकवा घटता है, तकवा इंक्रीज भी होता है, तकवा कम भी होता है, याद रखिए इस बात को। हाँ इंशाल्लाह। किसी ने कहा है कि तकवे का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तकवा परहेजगारी, रुकना रोकना, गुनाहों के कामों से रुकना और नेकी के कामों में बढ़ना, दोनों चीजें इसमें आती है। तकवा दीन के इल्म हासिल करने से भी बढ़ता है। देखिए कुरान की आयत देखिए, सूरह फातिर सूरह 35 वर्स 28, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले हैं। मतलब जो इल्म वाले हैं, यख्शल्लाह वो अल्लाह से डरते भी हैं, अल्लाह का डर भी उनमें होता है, परहेजगारी भी उनमें होती है, तकवा भी उनमें होता है। इससे क्या पता चला, जो इल्म सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए इखलास के साथ हासिल किया गया है, वो इल्म से अल्लाह का डर भी पैदा होता है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेकियों में से एक खास नेकी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है। क्यों? क्योंकि इसका खास जिक्र हमें कुरान और हदीस में मिलता है। आमतौर पे सब नेकियों से तकवा बढ़ता है और इल्म हासिल करना भी नेकी है, लेकिन आप जैसे कि जान चुके हैं, मैंने बताया था कि तकवा का बहुत बड़ा कनेक्शन ईमान से है और ईमान का ताल्लुक इल्म से है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया फालम अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, इल्म हासिल कर लो कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवा अल्लाह के। तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, यानी ये चीज तौहीद का भी इल्म हासिल कर लो, फालम इल्म हासिल कर लो, सूरह मोहम्मद की आयत थी। तो ईमान का ताल्लुक इल्म से है, जितना इल्म हासिल करते हैं उतना ईमान बढ़ता है हमारा। ऐसे कई दलायल है जिससे हमें पता चलता है इल्म से ईमान बढ़ता है और ईमान से ताल्लुक तकवे का है। आमनु व कानु यत्तकून, जो ईमान ले आए और तकवा इख्तियार किए, ईमान से कनेक्शन है तकवे का। तो हम देखते हैं खास चीज ये है, अगर हम तकवा चाहते हैं तो इल्म हासिल करने की तरफ हम खास कोशिश करें। और रमजान वो महीना है जिसके अंदर कुरान नाजिल हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्म का माहौल भी होता है और जो उसके कंट्रीब्यूटिंग रीजंस में से जिस वजह से तकवा एक इंसान में बढ़ता है। अगली चीज जिससे तकवा बढ़ता है वो है नसीहत से, यानी सिंसियर एडवाइस से। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, और नसीहत करते रहें, यकीनन नसीहत ईमान वालों को फायदा पहुंचाती है, नफा देती है। तो ईमान वाले हैं हम ना,
तो अल्लाह ताला के दीन की नसीहत जो सिंसियर एडवाइस है उससे क्या होता है, फायदा होता है तनफौल मोमिनी। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने दिलों को ओपन रखें नसीहत के लिए, रिमाइंडर्स के लिए। बाज लोग पसंद नहीं करते कि उनको कोई कुछ नसीहत दे, उनको नहीं अच्छा लगता है, तो अपने आप को उस चीज में चेंज करना चाहिए। हमें ओपन करना चाहिए कि कोई सिंसियर एडवाइस दे रहा है तो हम सुनकर बहरे नहीं बनेंगे, हम वो सुनेंगे और उसमें से अच्छी बातें जो है उस पर गौर करेंगे, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाएंगे। क्योंकि याद दिहानी मोमिनों को फायदा पहुंचाती है। तो मतलब मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक हमारा ये चल रहा है रमदान आ रहा है, और रमदान में जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो तब मिलेगी जब हम तकवे के लिए अपने आप को ओपन करें। और तकवे के लिए हम ओपन करने के लिए तकवे की इंपॉर्टेंस के 5 पॉइंट्स हमने देखे और 10 पॉइंट्स देख रहे हैं कैसे तकवा आखिर में हासिल कैसे होगा, मतलब कैसे, हाउ ऑन अर्थ कैन वी गेट तकवा, तकवा कैसे मिलेगा। तो हमने देखा तकवा मिलता है जब एक इंसान चाहता है तकवा, परमानेंटली चाहता है, नंबर वन चाहता है, नंबर दो परमानेंटली चाहता है, ऐसे नहीं टेम्पररी तकवा, रमदान का तकवा, रमदान ही मुसलमान, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, नेकी के कामों से तकवा बढ़ता है, गुनाहों के कामों से तकवा घटता है। नंबर पांच, इल्म से तकवा बढ़ता है, नसीहत से तकवा बढ़ता है। ये हमने 6 पॉइंट देखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नंबर सात, अच्छी सोहबत से तकवा बढ़ता है। तकवा वो प्रेशियस चीज है ना, हमें चाहिए, फुरकान चाहिए, गुनाहों से युकफिर अनकुम सय्यातिकुम, अल्लाह हमें गुनाहों से दूर कर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमें फर्क करने की सलाहियत दे दे, अल्लाह के वली बनने का चांस मिले हमें, हमें जन्नत में एंट्री मिले, तो तकवा चाहिए ना। तो तकवे के लिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। और नंबर 7 पॉइंट ये है, अच्छी सोहबत, अच्छी कंपनी। देखिए ये हदीस को, सही बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल जलीस सौले वल जलीस सू, अच्छे दोस्त की मिसाल, जलीस यानी के बैठने वाले जिनके साथ हम बैठते हैं, अच्छी कंपनी, अच्छी कंपनी की मिसाल, और बुरी कंपनी की मिसाल क्या है, कमसली साहिबिल मिस्क वकीरिल हद्दाद, जैसे इत्र बेचने वाला और लोहार की भट्टी, ला यादमो का मिन साहिबिल मिस्क, इत्र बेचने वाले के पास से बच के नहीं जा सकते, इम्मा तश्तरीही, या तो खरीद लेगा एक इंसान, और तजिदूरी हहू, कम से कम खुशबू ले लेगा, वकीरुल हद्दाद, और जो लोहार की भट्टी है, युहरिकु बदनक, या तो तुम्हारे जिस्म को जलाएगी, और सौबक, या तुम्हारे कपड़ों को जलाएगी, और तजिदु मिन्हु रीहन खबीथन, या कम से कम वहां से बुरी हवा लेकर आओगे। तो जैसे कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हम तकवे वालों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, दोस्ती करेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खैर खैरियत पूछेंगे, तो फिर हमारे अंदर भी तकवा आएगा इंशाल्लाह। और रमदान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से लोग साथ में इफ्तार करते हैं, जिस तरह से लोग मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके अंदर अच्छी कंपनी मिलने के बेटर चांसेस होते हैं, एक दूसरे को देख के भी तकवा बढ़ता है। रमदान के माहौल में तकवा बढ़ने के रीजंस में से एक रीजन ये भी है, अच्छे दोस्त मिलना, अच्छी कंपनी मिलना, दीन की बुनियाद पर मिलना। लोग गुनाहों की वजह से तो बहुत सारी चीजें मिलते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं जहां लोग मिलते हैं अपने पर्टिकुलर दुनियावी रीजंस के लिए, लेकिन रमदान के अंदर हमारा मिलना होता है दीनी रीजंस के लिए। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब हम तकवे की अहमियत को मानते हैं, जानते हैं और समझते हैं हमें जिंदगी में तकवा चाहिए, तो हमें अपनी कंपनी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप में से कोई ऐसे गार्डन में सुबह सुबह गया है जहाँ बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं? हाँ, कोई गया है हम में से? कोई क्या कोई ब्रदर सिस्टर ये अपनी अपनी लाइव एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? यस, ब्रदर आजिब, ब्रदर आजिब या सिस्टर महक, दो में से कोई भी अनम्यूट करें। सॉरी, फिर से करिए, ब्रदर आजिब अनम्यूट करें अपने आप को। जी, कैरी ऑन सिस्टर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गए हम अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखकर सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिटनेस के लिए ख्याल रख रहे हैं, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो देखकर क्या फीलिंग आती है? जी ब्रदर आजिब, जी ओके, कौन जवाब देना चाहता है? मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो मैंने 3-4 लोगों को मौका दिया है, कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को।
जी, देखकर खुद भी मन करता है कि वो एक्सरसाइज करें और खुद भी फिट होने का जी जज्बा आता है। सॉरी, सब लोगों को फिटनेस फ्रीक्स को देख करके, सब लोग भाग रहे हैं हेलो, दौड़ रहे हैं, तो एक इंसान को खुद भी फीलिंग आती है कि मैं भी कुछ एक्सरसाइज करूं। हाँ जी जी, जी राइट। फिर ऐसे माइंड से क्या हाँ है मामला कि माहौल का असर पड़ता है। स्टूडियस लोग होते हैं जहां सब बैठ करके स्टूडियस लोग पढ़ रहे हैं, तो दिल चाहता है मैं भी थोड़ा बुक निकाल के पढ़ू। हाँ, राइट तो हम ये देखते हैं कि जी यस शकील भाई जरा काइंडली म्यूट कर लें सबको, यस यस इंशाल्लाह। तो हम ये देखते हैं कि हम इंसान हैं, वी आर वीक, हम पे माहौल का असर पड़ता है। बाज लोग अपने आप को क्या समझते हैं ना, अपने आप को जैसे कि सुपरमैन समझते हैं और अपने आप से वो एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि मुझ पे तो कुछ असर नहीं पड़ता, मैं कहीं भी रहूं मुझे ईमान तो अंदर होता है अंदर। ऐसे नहीं है, हम इंसान हैं, हम पे असर पड़ता है माहौल का। जो कंपनी होती है उसका असर पड़ता है, और नेक लोगों की कंपनी होगी ना तो नेकी का असर होगा। आप कई बार देखोगे कि जब सारे दोस्त नमाजी होते हैं, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो कोई उनमें कोई ऐसा आता है जो थोड़ा नमाज में कमजोर हो, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चुस्त हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जब देखते हैं, मैंने देखा है कि ऐसे एक फ्रेंड सर्कल है, मैंने नोटिस किया है, वो लोग मंडे थर्सडे के रोजे रखते हैं, और कुछ लोग रख रहे हैं ना, तो उनके साथ उठने बैठने वाले जो लोगों से ज्यादा, इतने एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मंडे थर्सडे ये भी रोजा रखेंगे, लेकिन वो भी रोजा रखते मिलते हैं क्योंकि उनके साथ वाली कंपनी सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे देखा जाता है कि जब दोस्त जा रहे हैं दर्स अटेंड करने, क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, कि मैं तो क्लास में जा रहा हूँ, वहां की बात सुन करके बताते हैं लोगों को कि आज क्लास में मैंने ये सीखा था, तो सुन सुन कर क्या होता है, कंपनी का असर पड़ता है। जली से सोले वल जली से सू, अच्छे दोस्त और अच्छी कंपनी की मिसाल और बुरे दोस्त और बुरी कंपनी की मिसाल। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ बात यह है कि रमदान के पर्पस को हमें अचीव करना है ना, तो हमें तकवा हासिल करने में जो ऑब्स्टिकल्स है उनको हटाना होगा। अगर आपकी लाइफ में आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसको आपने बहुत करीब रखा है, दिल से एकदम करीब रखा है, मेरा बहुत करीबी दोस्त है लेकिन दीनदार नहीं, तो फिर क्या होगा, उसका असर पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर रजुलु अला दीनी खलील ही, तुम एक शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है, फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलहु, तुम से हर किसी को देखना चाहिए किसे अपना दोस्त बनाते हैं। सुनन अबू दाऊद में हदीस सही सनद से है। तो हम ये देखते हैं कि दोस्त का असर हम पर पड़ता है, कंपनी का असर हम पर पड़ता है, प्लीज डोंट डिनाई दिस। और इसकी वजह से जब तकवा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए हमारी कंपनी भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो गुनहगार है उनसे सलाम दुआ भी नहीं कर सकते या उनको दीन की दावत नहीं दे सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनको दीन की दावत देंगे, चाहे वो कोई ईमान वाला हो नहीं हो, चाहे कोई दीनदार हो नहीं हो, उससे मिलना, सलाम दुआ, खैरियत करने पूछने से मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन करीबी दोस्त किसे लेंगे, जिनके साथ एक इंसान उठे बैठे, जिनके साथ थोड़ा दिल हल्का करे, वो ऐसे लोग होने चाहिए जो तकवे वाले हैं। हाँ, बाज लोग क्या समझते हैं कि तकवे वाले लोगों को कोई कंपनी की जरूरत ही नहीं, वो तो बस उनके साथ अल्लाह है। यकीनन सबसे बड़ा दोस्त अल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें भी कंपनी की जरूरत है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल सॉलिटरी रहते हैं, अकेले पेड़ के नीचे जिंदगी गुजार लें, तो हमें भी दोस्त की जरूरत है। तकवे वालों को भी, ईमान वालों को भी दोस्त की जरूरत होती है, लेकिन हमें सिलेक्टिव रहना चाहिए किसे अपना दोस्त बनाते हैं, क्योंकि दोस्त का असर हम पे पड़ता है, हमारे ईमान पे पड़ता है, हमारे तकवे पे पड़ता है। ये बात याद रखिए, हाँ ये बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कि नफ्स की ख्वाहिशों को दबाने से तकवा हासिल होता है। जो नफ्स हमारा बुराई की तरफ बुलाता है, उसको दबाने से, उसकी ख्वाहिशात को रोकने से, अल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, मुजाहिद वो होता है जो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करता है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की फरमाबरदारी में लाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, जो अपने रब के मकाम से डरता रहा, वनहा नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकता रहा, फइनल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना है जन्नत। हाँ, उसका ठिकाना जन्नत है। तो इन नफ्स के खिलाफ ख्वाहिशात को रोकने से तकवा हासिल होता है। हाँ, तकवा हासिल होता है, परहेजगारी हासिल होती है। नंबर 9, आखिरत का मकाम दुनिया के बिलमुकाबिल समझने से तकवा हासिल होता है। कई बार क्या होता है, ये ऑप्शंस डिफिकल्ट लगते हैं, तकवा का रास्ता मुश्किल लगने लगता है। शैतान बहुत एक इंसान को दुनिया की चीजें खूबसूरत बना बना के पेश करता है, लेकिन अगर एक इंसान थोड़ा रुक जाए, बोले कि ओके, दुनिया की हकीकत क्या है, हैसियत क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मत दुनिया फिल आखिरा, दुनिया क्या आखिरत के सामने,
सिवाय ये कि तुम में से कोई अपनी उंगली को समंदर में डुबाए, देखो क्या लेकर आए। जितना समंदर से लेके आई उंगली, ये दुनिया है, और वो जो समंदर है ना वो आखिरत है। अब ये दुनिया, इसके लिए कोई अगर इंसान अपनी आखिरत का नुकसान कर बैठे तो ये तो बहुत ही लॉस वाला, घाटे का सौदा हुआ ना। ये हदीस सही मुस्लिम में है, दुनिया आखिरत के सामने क्या है। एक्चुअली लोगों के जहनों में क्या होता है ना, दुनिया आखिरत, आखिरत बेटर है, दुनिया आखिरत। लेकिन ऐसा नहीं है दुनिया आखिरत, ऐसा है दुनिया और वो समंदर आखिरत। आखिरत इतनी बड़ी जैसे समंदर, और समंदर में एक उंगली डुबाई, ये दुनिया, बस ये दुनिया। जितनी देर डुबा करके सोच रहे हैं उतनी देर में तो उंगली सूख जाएगी, पता चला दुनिया है तो थोड़ी, वो भी हाथ से चली जाती है। नंबर 9 के ताल्लुक से हम एक आयत ये देखते हैं, सूरह 6 वर्स 32, वमल हयात दुनिया इल्ला लईब व लहव, के दुनिया की जिंदगी क्या है सिवाय लहव लईब, प्ले है, खेल कूद है, यूजलेस चीजें हैं। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लदीना यत्तकून, और आखिरत का घर बेहतर है उनके लिए जिनके पास तक्वा है। अफला ताकिलून, क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है, क्या तुम सोचते समझते नहीं हो, क्या तुम समझते नहीं हो ये दुनिया के लिए आखिरत का नुकसान कर बैठोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत ही वाइज बात है। और याद रखिए कि हमें, हमारे रिलीजन ने ये नहीं कहा कि आपको दुनिया छोड़कर जंगल में जाके रहना है, तो बहुत थोड़ी रहो, लेकिन यहाँ उसके मकाम को समझ के रहो, उसको अपना खुदा मत बनाओ, अपना गॉड मत बनाओ, सब कुछ मत बनाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके और मेरे जैसे इंसान, जो ये दुनिया को अपना सब कुछ बना बैठते हैं, दे थिंक दिस इज एवरीथिंग, लेकिन हकीकत क्या है, दिस इज ओनली दिस मच, थोड़ी सी है। और दुनिया की हकीकत समझते हैं ना तो तकवा इख्तियार करना आसान हो जाता है, हाँ आसान हो जाता है। नंबर 10, 10वां पॉइंट, कि तकवे के लिए दुआ करना, उससे भी तकवा बढ़ता है। हाँ, तकवे के लिए दुआ करना, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा दे दे। हाँ, अल्लाह से मांगना, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह ऐ मेरे रब, आती नफ्सी तकवाहा, दे दे मेरे नफ्स को तकवा, दे दे मेरे नफ्स में परहेजगारी, दे दे। वज़्ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, उसे पाक कर दे, मेरे नफ्स को पाक कर दे, जो बुरी ख्वाहिशात, ये बुरी चाहते, इससे पाक कर दे। वज़्ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, तो पाक करने वाला सबसे अच्छा, सबसे बेहतर तू ही है पाक करने वाला। अंत वलीहा व मौलाहा, तू ही उसका वली मुहाफिज है, और तू ही उसका मददगार है। मुहाफिज भी अल्लाह है और मददगार भी अल्लाह है। हम अल्लाह से मदद मांगते हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अल्लाह से मांगो। कैन यू इमेजिन कि हम अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह की मदद मांगते हैं, अल्लाह की इबादत अच्छे से करने के लिए अल्लाह की मदद मांगते हैं, और अल्लाह पसंद करता है इस बात को। तो 10वीं चीज है दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ हिदायत, व तुका और तकवा, हाँ हिदायत मांगता हूँ, तकवा मांगता हूँ, वल अफाफा, अफाफा पाकिजगी मांगता हूँ, इफ्फत मांगता हूँ, पाकिजगी, वल गिना और मालदारी मांगता हूँ, कि माल मैं अल्लाह तेरे रास्ते में खर्च करूं, और गिना मालदारी मांगता हूँ, सही मुस्लिम में हदीस है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट किए, थर्ड चैप्टर पे आते हैं, और वो है रोजे की अहमियत। आइए हम रोजे की अहमियत पर गौर करें। तो रोजे का सबसे पहला मकसद और सबसे पहला फायदा हम देख चुके हैं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तकवा इख्तियार करें। रोजा चाहे रमजान में हो नहीं हो, रोजे का बहुत बड़ा फायदा क्या है, वो है लअल्लकुम तत्तकून, तकवा इख्तियार करने के लिए। क्यों, हम देखते हैं कि जिस तरह एक इंसान रोजे में पानी से रुकता है, पानी है लेकिन पिएगा नहीं, क्यों, मैं रोजे से हूं। अब इससे क्या होता है, एक सेल्फ कंट्रोल एक इंसान में आता है, और वो सेल्फ कंट्रोल जो पानी छोड़ सकता है एक लिमिटेड टाइम के लिए, खाना छोड़ सकता है, तो वो बहुत सारी हराम चीजें छोड़ना उसके लिए आसान हो जाता है, हराम चीजों से बचना आसान हो जाता है, गलत रास्ते को छोड़ना आसान हो जाता है, एक सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर आता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर आता है। तो रोजे से क्या होता है, तकवा आता है, परहेजगारी आती है। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हम दुनिया की कुछ मिसालें लेंगे, तो एक मिसाल हम देख सकते हैं कि गाड़ी है, उसको पीरियोडिकली सर्विसिंग करानी पड़ती है ताकि गाड़ी अच्छी चले, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। हाँ, सर्विसिंग में उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। उसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्कूल्स है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर्स है, उनको टाइम टू टाइम रिफ्रेशर कोर्सेज करने पड़ते हैं। हाँ, क्यों करने पड़ते हैं, ताकि उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, नई नई चीजें जो आ रही है देखते रहना पड़ता है। आप ये देखिए कि पुलिस के भी रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, कि पुलिस तो कोई बन गया है, लेकिन उसके रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं ताकि पुलिस का परफॉर्मेंस अच्छा रहे।
उसी तरह डॉक्टर्स के रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, जैसे ये मैंने एक रिफ्रेशर कोर्स की एक मिसाल दिया है कि रिफ्रेशर कोर्स फॉर डॉक्टर्स, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव करें। जो हम देखते हैं कि जो मेडिकल कंपनीज की तरफ से, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आकर डॉक्टर्स को बताते रहते हैं ये नए ड्रग्स आए हैं मार्केट में, उनको जैसे कि अपग्रेड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं कि ये चीजें इंफॉर्मेशन नई है मार्केट में। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकुलुल्लाह अज़्ज़ व जल्ला असौमु ली वाना अज़्ज़ी बी, रोजा मेरे लिए है मैं उसका बदला दूंगा, यदउ शहवतहु व अक्लहु व शुरबहु मिन अज़ली, उसने अपने पानी को छोड़ा, अपनी शहवत को छोड़ा, अपने खाने को छोड़ा, अपने पानी को छोड़ा मेरे लिए, तो अल्लाह कहता है मैं उसका बदला दूंगा। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये रोजे का बहुत बड़ा फायदा है कि रोजे का सवाब अल्लाह ने कहा है कि मैं दूंगा, क्यों? क्योंकि उसने छोड़ा है, अपने खाने को छोड़ा, अपने पानी को छोड़ा, अपनी शहवत को छोड़ा है, मेरे लिए छोड़ा है, तो अल्लाह कहता है मैं उसको बदला दूंगा, मैं उसका बदला दूंगा। डू यू नो व्हाट दिस मींस? इसका ये मतलब है कि जो आम तौर पे जो नेकियों का बदला क्या होता है, सिंगल का सिंगल मिलता है, नहीं, कम से कम 10 times मिलता है, हर नेकी का 10 गुना अजर मिलता है। यानी जितने मार्क्स मिल रहे हैं पेपर में, अगर कोई टीचर कहे कि जितने मार्क्स मिलेंगे उसके 10 times मैं दूंगा, तो हम कहेंगे क्या बात है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यही सिस्टम रखा है कि नेकियों का कम से कम 10 गुना अजर मिलता है। कुछ नेकी होती है उसका 700 times अजर मिलता है, 700 times रिवॉर्ड मिलता है, गुना सिंगल वैल्यू। लेकिन रोजे का क्या अजर है? अल्लाह कहता है मैं उसका बदला दूंगा, वो अना अज़ी भी, मैं उसका बदला दूंगा। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये खुद एक बहुत बड़ी नेकी है, रोजा खुद एक बहुत बड़ी नेकी है, और उससे सेल्फ कंट्रोल एक इंसान में आता है, एक चेंज आता है उसके अंदर, ये एक बहुत बड़ी चीज है। एक रिवायत के अंदर ये वर्ड्स आते हैं, यदाउ इमरातहु, उसने अपनी बीवी को छोड़ा, वह शहवतहु, शहवत को छोड़ा, वह तामहु, खाने को छोड़ा, वह शराबहु मिन अज़ली, पानी को छोड़ा मेरे लिए, ये हदीस तबरानी में है। और एक और हदीस है जिसके अंदर आता है, वह सौमु जुन्नतुन, रोजा ढाल है, ढाल शील्ड है, शील्ड जैसे ढाल होती है ना गुनाहों से बचने के लिए, रोजा एक ढाल है, जहन्नम की आग से ढाल है, गुनाहों से बचने में शैतान के हमलों के खिलाफ ढाल, असौमु जुन्नतुन के ढाल है, जहन्नम की आग से ढाल है, जहन्नम की आग के तरफ बुलाने वाली जो चीजें हैं उनसे बचने में ढाल है, जहन्नम की आग से ढाल है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये शील्ड है। और रोजे के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार के ताल्लुक से फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, वलिसौइमी फरहतानी, रोजेदार के लिए दो खुशी के टाइम होते हैं, फरहतुन ही ना युफ्तिर, पहला खुशी का वक्त होता है जब वो इफ्तार करता है, व फरहतुन ही ना यल्का रब्बहु, और दूसरा खुशी का वक्त तब होता है जब वो अपने रब से मुलाकात करता है, जब वो अपने रब से मुलाकात करता है, दैट्स द सेकंड टाइम जो खुशी का टाइम होता है। जब इफ्तार का वक्त आता है ना, और जब इफ्तार के पहला लुकमा मुंह में जाता है, जब वो पहली बार पानी पीता है रोजा रखने के बाद, तो क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये तो पहला खुशी का वक्त है, अब दूसरे खुशी का वक्त का इंतजार है, हीना यल्का रब्बहु, जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, जब रोजेदार अपने रब से मुलाकात करेगा, दैट इज द टाइम जो दूसरा खुशी का वक्त है। वला खुलूफु फमि सौइमी अतिबु मिन इंदल्लाहि मिन रीहिल मिस्क, सही बुखारी की हदीस है कि रोजेदार के मुंह से जो एक थोड़ी सी एक हल्की सी स्मेल आने लगती है, क्योंकि जब एक इंसान खाता पीता नहीं है तो उसके थ्रोट में से जैसे कि एक तरह की हल्की स्मेल आने लगती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को ये स्मेल जो है जो रोजेदार के मुंह से आ जाती है ना खाने की वजह से, ब्रश नहीं करने की वजह से, वो नहीं, तो मिनरी हिलमिस की अल्लाह को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। अच्छा, बाज़ लोग इस हदीस से ये समझते हैं कि रोजेदार को ब्रश नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आपको वाज़े हदीस मिलेगी, जैसे कि हम आगे देखने वाले हैं ये कोर्स में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया खुद भी, यानी कि वो जमाने का ब्रश था, उसका भी एक पर्टिकुलर टेस्ट था, मिसवाक का थोड़ा टेस्ट होता है, आपको पता है ना, बिल्कुल ब्लैंड नहीं होता, उसके अंदर भी थोड़ा सा टेस्ट होता है, और उसके अंदर जो लुआब है, जो सलाइवा है, वो अंदर भी जा सकता है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रश नहीं करना है और माउथ थोड़ा स्मेली होना चाहिए, नहीं, आप ब्रश कर लो तो भी रोजे की वजह से वो पेट में जो पेट खाली होता है ना, तो उससे एक थोड़ी सी स्मेल आती है, लेकिन अल्लाह ताला को ये खुशबू, ये चीज मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है, हाँ, जैसे कि हम देखते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु युदाइफु शहवा, के रोजा ख्वाहिशात को कमजोर करता है। इसकी दलील क्या है? ये हदीस है, खिसा उम्मती असियाम, के मेरी उम्मत का जो खस्सी करना रोजा है रखना है,
जो खसी करना है, कैस्ट्रेशन है, कैस्ट्रेशन मना है इस्लाम के अंदर, लेकिन जो चीज से एक इंसान के अंदर वो इफेक्ट आता है कि वो उसकी ख्वाहिशात कमजोर होती है, वो है रोजा रखना। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हदीस नहीं थी, फर्स्ट स्टेटमेंट हदीस नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट हदीस है कि खिसा उम्मती सियाम, के मेरी उम्मत का खसी करना, कैस्ट्रेशन, रोजा रखना है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक और चीज है, आपको पता है कि एक इंसान अगर गुनाह करे तो इस्लाम ने प्रिस्क्राइब ये किया है गुनाह के बाद तौबा है, अगर गुनाह कर लिए तो तौबा करने के ताल्लुक से उभारा गया है कि तौबा कर लो, माफी मांग लो, अल्लाह माफ करने तैयार है। लेकिन बाज गुनाह ऐसे होते हैं जिसके अंदर तौबा के साथ साथ कफारा देना पड़ता है, कफारा कोई पेनल्टी होती है, तो आप फ्रीक्वेंटली देखोगे कई सारे गुनाहों में कफारे में रोजा रखना होता है, यानी जहां जहां पेनल्टी होती है तो पेनल्टी में कसरत से आप फ्रीक्वेंटली देखोगे, जैसे मिसाल के तौर पे कोई अहराम की हालत में है, किसी वजह से उसे बाल को शेव करना पड़ा, तो ये अलाउड नहीं है, अहराम की हालत में वायोलेशन हो गया, लेकिन इसके अंदर या तो 3 दिन रोजा रखे, या तो 6 गरीबों को खाना खिलाए, या तो 1 मेंढी जबा करे। उसी तरह अगर फर्ज सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं तो 10 दिन रोजा रखना, 3 दिन हज के दौरान, 7 दिन वापस आने के बाद। और एक और मिसाल कि एक्सीडेंटल किलिंग, एक्सीडेंटली किसी की मौत हो गई हमारे हाथ से, तो फिर 2 कंटिन्यूस मंथ अगर दियत देना है, पहले तो ब्लड मनी देना है और गुलाम आजाद करना है, और गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 2 कंटिन्यूस महीने तक रोजा रखना है, तो रोजा रखना वहां पर एक कफारा है। उसी तरह एहराम की हालत में अगर कोई हंटिंग कर ले तो उसके अंदर भी कफारा है। कसम, कसम खा के लोग बहुत आसानी से तोड़ते हैं कि मैं कसम खाता हूं, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, मैं ये नहीं करूंगा, अब उसके बाद में कसम तोड़ दे तो फिर क्या करना होगा, अब तुमने कसम खाया और कसम तोड़े तो या तो 10 लोगों को खाना खिलाओ, या तो 10 लोगों को कपड़े पहनाओ, या तो गुलाम आजाद करो, और ये तीनों नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन तक रोजा, तो रोजा रखना वहां भी हमें मिल रहा है। और जिहार जो एक टाइप की का गलत किस्म का डिवोर्स है, अगर वो किसी ने प्रैक्टिस किया तो फिर उसे 2 महीने तक कंटिन्यूस रोजा रखना है, गुलाम आजाद करना है, या फिर 2 महीने तक रोजा रखना है। तो हम ये देखते हैं कि ये चीजें इसके अंदर कफारे में फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं रोजा फिगर होता है वहां पे। पता क्या चला, रोजा एक नेकी, ऐसी नेकी है जिससे गुनाह वाइप होते हैं, और खास तौर से ऐसे गुनाह में भी जिक्र आ रहा है जो गुनाहों में पेनल्टी है, कफारा है, वो गुनाहों में भी हम देखते हैं कि रोजे का जिक्र आ रहा है कि कफारे के तौर पर रोजा है, तो रोजा खुद एक कितनी बड़ी नेकी है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये रोजा जो हमें रखना है, ये रोजा, इसकी अहमियत क्या है, इससे फायदे क्या है, इससे बेनिफिट्स क्या है, हमारा फायदा क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो हमने एक बेनिफिट हमने क्या देखा, हमने एक बेनिफिट देखा कि गुनाहों में कफारे के तौर पे रोजा है, रोजे से ख्वाहिशात कंट्रोल में आती है, जो ख्वाहिशात होती है इनसे एक इंसान को बर्बाद कर सकती है, अगर हम ख्वाहिशात को नहीं कंट्रोल करें तो ख्वाहिशात हमें कंट्रोल करेगी, तो वो ख्वाहिशात कंट्रोल में आती है रोजे से। रोजे से क्या होता है कि जो मुश्क, जो रोजेदार के मुंह से जो स्मेल आती है वो अल्लाह को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। और हमने क्या देखा, 2 खुशी के वक्त होते हैं रोजेदार के लिए, पहला वक्त जब वो इफ्तार करता है, दूसरा वक्त जब वो अल्लाह से मिलेगा। रोजा क्या है, ढाल है। हाँ, और रोजे का अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह उसका बदला देगा, बदला उसका, अल्लाह कहता है मैं उसका बदला दूंगा, अल्लाह ताला ने अप्रिशिएट किया है। अल्लाह ताला ने अप्रिशिएट किया है कि उसने अपनी शहवत को, अपने खाने को, पानी को मेरे लिए छोड़ा, अल्लाह ताला ने पसंद किया है। और ये हमारे लिए एक टाइप का रिफ्रेशर कोर्स है, हमारे लिए एक रिफ्रेशर कोर्स है, जिस तरह से दुनियावी रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे हमारे ईमान के रिफ्रेशर कोर्स है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ये हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है ये दुनिया के कोर्सेज की जो मैं बात बता रहा हूँ ना मिसाल, ये इसके बेनिफिट्स बहुत लिमिटेड है, दुनिया में ही होंगे लिमिटेड बेनिफिट्स, लेकिन तकवा के बेनिफिट बहुत बड़े हैं। हाँ, तकवा का बेनिफिट बहुत बड़ा है, आखिरत तक है। चलिए हम आते हैं अपने लास्ट चैप्टर, 4th चैप्टर। अब हम देख रहे हैं रमदान की अहमियत के ताल्लुक से चंद बातें। हाँ, चंद बातें, और आप सबका अगर कोई सवाल हो, कोई बात इस दौरान आपको समझ में ना आई हो, तो आप अपने सवाल को Q&A में चैट के जरिए भेज सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ये फिनिश करके चंद सवालों को लूंगा जो मौजू से रिलेटेड है। जरूर, चैट नहीं, Q&A का बटन है, जी। एक क्वेश्चन आया कि क्या PPT आपको मिलने वाला है, यस, ये PPT आपको मिलने वाला है इंशाल्लाह। हाँ, कल सुबह आपको ग्रुप में मिल जाएगा इंशाल्लाह। रमजान की अहमियत,
तो अहमियत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा दखल रमदान, जब रमदान का महीना दाखिल होता है, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वगुल्लिकत अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वसुलसिलति शयातीन, शयातीन को जकड़ लिया जाता है। इससे पहले हम रोजे की अहमियत देख रहे थे, अब हम रमदान की अहमियत देख रहे हैं। तो रमदान के ताल्लुक से तीन बेनिफिट्स बताए गए कि रमदान स्टार्ट होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को, जो शयातीन होते हैं उनको जकड़ लिया जाता है। और कौन से शयातीन? अब देखिए, ये तिर्मिज़ी की हसन दर्जे की हदीस है, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहरि रमदान, जब रमदान की पहली रात होती है, सुफिदत शयातीन व मरदतुल जिन, शयातीन को जकड़ लिया जाता है और सरकश जिनों को, कौन से जिनों को? सब जिनों को नहीं, सरकश, जो बड़े बड़े सरकश जिन होते हैं, वगुल्लिकत अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, फलम युफ्ताह मिन्हा बाब, कोई भी दरवाजा खुला नहीं रहता है, वफुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वलम युगलक मिन्हा बाब, और जन्नत का कोई भी एक दरवाजा भी बंद नहीं रहता, वह युनादी मुनादिन, एक पुकारने वाला पुकारता है, या बागी अल खैर अकबिल, ए खैर के काम करने वाले आगे बढ़, ए अच्छाई के काम करने वाले तो आगे बढ़, वो या बागी शर्रि अकसिर, ए बुरा काम करने वाले रुक जा, ए बुरा काम करने वाले रुक जा, वो लिल्लाहि उतका मिन नार वज़ालिका कुल्लु लैला, और अल्लाह के लिए जहन्नम की आग से लोगों को आजाद किया जाता है, हर रात ये होता है। तो हम देखते हैं ये हदीस में कई बातें मिल रही है आज रमदान के महीने के ताल्लुक से, जो एक बस तीन हफ्ते की दूरी है रमदान से। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्या चीज है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जकड़ लिए जाते हैं, एक पुकारने वाला पुकारता है पहली रात से ही, क्या खैर का काम करने वाले आगे बढ़, ए बुराई के काम करने वाले रुक जा। ये पुकार कानों को नहीं सुनाई देती लेकिन दिल को सुनाई देती है, दिल महसूस करता है। और जैसे ही रमदान शुरू होती है ना, आप देखोगे रमदान स्टार्ट हुई, सुभान अल्लाह, कैसे होता है ये आई ऑल्सो डोंट नो कि सडनली पूरी मस्जिद भरी हुई दिखती है, सडनली बहुत सारे लोग नेकी की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं, सडनली होता है। मतलब रमदान शुरू हुई, बस दिल में एहसास एक आने लगता है। ये शुरू के अंदर जो कहा गया ना कि जब पहली रात होती है तो ये पुकार लगती है, हाँ, युनादी मुनादिन, क्या खैर का काम करने वाले आगे बढ़, ए बुराई के काम करने वाले रुक जा। बहुत सारे लोग अपने बुराई के कामों को रोकते हैं, बहुत सारे लोग नेकी के कामों में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप गौर करिए कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, कोई दरवाजा अगर बंद है तो दरवाजा बंद है, जैसे जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन कोई खोल के उस तरफ फिर भी जा सकता है। मतलब बाज लोग होते हैं जो जहन्नम का दरवाजा बंद होता है लेकिन वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, एक्स्ट्रा कोशिश करके अपने दिल के वो जज्बात को मार करके गुनाह का काम फिर भी करते हैं। मतलब जैसे कि दरवाजा खोल के उस तरफ फिर से जाते हैं जहन्नम की तरफ, और कोई दरवाजा अगर खुला है तो मतलब यू हैव टू वॉक इन डायरेक्टली। तो जन्नत के दरवाजे ये पीरियड में खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हाँ, हम ये देखते हैं कि ये एक चीज है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है फायर फाइटर्स की ट्रेनिंग। फायर फाइटर्स की ट्रेनिंग के अंदर आग जो होती है ना, नकली आग होती है, असली आग नहीं होती है। हाँ, असली आग नहीं होती है, क्यों, क्या कोई बताएगा? मैं आपसे, आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, क्या कोई रिस्पॉन्ड कर सकता है इसमें? जस्ट अ मिनट। हाँ, सिस्टर सना सुल्ताना और रियलमी जी, जी यस सिस्टर, ये नकली आग क्यों होती है यहाँ पे ट्रेनिंग में? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। रियलमी सर, असली होगी तो नुकसान हो सकता है, आग लग जाएगी जी, उनकी ट्रेनिंग के लिए है। ओके, तो इसलिए नकली आग है। ओके, तो नकली आग ट्रेनिंग के लिए, क्यों ट्रेनिंग के लिए, असली क्यों नहीं, वरना आग लग जाएगी, डेंजरस है उनके लिए, है ना, ये लोग ट्रेन नहीं है ना, अभी सीख रहे हैं ये लोग, तो सीखने के दौरान नकली आग से ट्रेन होते हैं। असली क्यों, एक बार ट्रेन हो जाए फिर असली आग फाइट करेंगे,
सही बात है, जिंदगी भर उनको नकली आंख तो नहीं मिलने वाली। अब यहां पॉइंट क्या है ना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रमजान के महीने में शयातीन जो है ना, बड़े बड़े शयातीन सब जकड़े हुए हैं। ओके, रमजान में हम ट्रेन होते हैं, लाल लकुम तकुन, तकवा इख्तियार किया जाए, तकवा सीखे हम, सीख रहे हैं हम। सीखने के बाद जैसे रमजान खत्म होती है शयातीन आजाद होते हैं, लेकिन उस वक्त पर हम ट्रेन हुए हैं, हमने ट्रेनिंग हासिल की। रमजान के दौरान वो जो असली बड़े बड़े शयातीन थे ना, वो जकड़े हुए थे। एक ऐसी सर्कमस्टांस बनाई गई थी जिसके अंदर हमारे लिए जीतना आसान हो जाए। एक बार तुम जीतना सीख जाओगे, तकवा इख्तियार करना सीख जाओगे, तो फिर क्या होगा, ओवरकम करना आसान हो जाता है इंशाल्लाह। अब जैसे देखिए, बच्चे को साइकिलिंग नहीं आती है तो ये सपोर्ट व्हील्स लगाई जाती है ताकि कम से कम पेडल तो चलाना सीख ले, कम से कम थोड़ा हैंडल पकड़ना सीख ले। सपोर्ट व्हील्स लगा लिए, अब वो पेडल चलाना तो सीख लिया, कम से कम थोड़ा हैंडल पकड़ना सीख लिया। उसके बाद में उसको ये सपोर्ट व्हील्स निकाल करके ट्रेनिंग दी जाती है कि अब चलाओ बेटा, अब बच्चे चलाओ। तो हम देखते हैं रमजान में अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम दिया है कि शयातीन को जकड़ लिया गया है। ये अल्लाह की तरफ से खास बदला है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी हमारे लिए ताकि हम कमजोर इंसान कामयाब हो सके, शैतान को डिफीट कर सके और डिफीट करना सीखें। तो हमें एक एक एडवांटेज दिया गया है, एक टाइप का एडवांटेज दिया गया। हाँ, तो रमदान में शयातीन जकड़े हुए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सौम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफर लहु मा तकद्दमा मिन ज़म्बी। रमदान के एक और बेनिफिट ये है कि जो रमदान के महीने में रोजा रखेगा ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो पिछले गुनाह माफ होते हैं, यानी कि हमारे पिछला जो बैकलॉग है गुनाहों का, उसकी माफी हमें मिलेगी। और रमदान का बस रोजा रखना है, ईमान के साथ रखना है, अल्लाह पे ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से रखना है, तो हमारे पिछले गुनाह माफ होंगे। जाहिर सी बात है, गुनाह जो माफ होंगे उसके अंदर सगीरा गुनाह, जो छोटे छोटे गुनाह है, वो माफ होने की बात है, क्योंकि बड़े बड़े जो गुनाह होते हैं उसके अंदर तौबा एसेंशियल होती है माफी के लिए। तो तौबा करेंगे तो वो भी गुनाह माफ हो जाएंगे। आगे ये देखिए, एक और रमदान के महीने का बेनिफिट, इन्ना लिल्लाहि इंदा कुल्ली फित्रिन उतका वज़ालिका फी कुल्ली लैला। ये हदीस हम पढ़ चुके हैं कि इफ्तार के वक्त पर रोज जहन्नम की आग से कुछ लोग आजाद होते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे रोज जिनका रास्ता था जहन्नम की तरफ, और वो अपना रास्ता चेंज करके जन्नत का रास्ता लेते हैं, परमानेंटली, टेम्पररीली नहीं, परमानेंटली लेते हैं। क्योंकि टेम्पररी वाले लोग आजाद थोड़ी हुए, वो तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम आजादी पा लिए, लेकिन ऐसा नहीं। क्योंकि अगर कोई जहन्नम की तरफ रास्ता छोड़ दिया, जन्नत की तरफ रास्ता ले लिया, रमदान गई बैक टू जहन्नम का रास्ता, आजाद नहीं हुआ, क्योंकि कब मौत तो कभी भी आएगी ना। तो सही बात यह है, आजाद वो हुआ जिसने सिंसियरली तौबा किया, अपना रास्ता चेंज किया, जिंदगी का रास्ता चेंज हुआ। और ये ऐसा करते हैं लोग रोज रात, ऐसे लोग होते हैं जो आजाद होते हैं जहन्नम की आंख से, मतलब जो जाने वाले थे जहन्नम, लेकिन वो रास्ता बदल करके जन्नत का रास्ता ले लेते हैं रमजान में। दिस हैपेंस एवरी सिंगल डे। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अल्लाहु वलीयुल लदीन आमनू, अल्लाह मुहाफिज है, मददगार है ईमान वालों का। युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह उन्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाए। अल्लाह चाहता है कि लोगों को निकाले अंधेरों से और रोशनी की तरफ लाए, ईमान की बुनियाद पर। ईमान वाले हैं ना, अल्लाह तुम्हें निकालेगा, तुम्हारे ईमान की वजह से अल्लाह तुम्हें निकालेगा, तुम्हारी सिंसियरिटी और इखलास की वजह से अल्लाह तुम्हें निकालेगा, तुम्हारे दिल में चाहत हो कि मैं गुनाह से बचना चाहता हूँ, निकलना चाहता हूँ, अल्लाह तुम्हें निकालेगा। तो ऐसे लोग जो जहन्नम की आंख से रोज आजाद होते हैं, सवाल ये कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो जहन्नम में जाने वाला है, क्या वो सिंसियरली तौबा करके जन्नत का रास्ता बना लेगा या नहीं बनाएगा? हम में से हर कोई ये बात सोचे कि क्या हम वो हैं या नहीं, जो उतका मिन नार, जहन्नम की आंख से आजाद ये चीज मिल जाए, सुभान अल्लाह कितनी बड़ी चीज है। एक और चीज रमदान के ताल्लुक से, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, रमदान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया। हाँ, जो महीना अल्लाह ताला ने चुना रमदान कुरान के लिए, वो रमदान का महीना है। हुदा लिन्नास, सारे इंसानों के लिए हिदायत के तौर पर, वो बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और वाज़ह दलीलें हिदायत की, और जिसमें फुरकान है, फर्क करने की फुरकान मौजूद है। मतलब फुरकान कुरान के नामों में से एक नाम भी है, और कुरान के अंदर फुरकान भी है, कुरान में डिफरेंशिएट करने वाली, फर्क करने वाली चीज भी है। फमन शहीद मिनकुम शहरा फलयसुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम में से जो इस महीने को पाए, उसे चाहिए कि वो रोजा रखे।
और इस्लाम की बुनियादों में से है, इस्लाम की जो पांच पिलर्स है ना उसमें से एक पिलर है, पिलर रोजा, यानी रमजान में रोजा रखना, वो सौमी रमदान, वो पांचवा पिलर है इस्लाम के पांच अरकान में से। पांचवे नंबर पे रमदान के महीने के रोजे खास जिक्र है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हमने अभी चारों चीजें कंप्लीट किए। आज का हमारा गोल ये था कि नंबर वन हम तकवे की इंपॉर्टेंस को देखें। पांच पॉइंट्स हमने देखा, तकवा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब एक जिंदगी का डिसीशन है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जी रहे हम लोग, लेकिन ये जिंदगी में मकसद आता है, एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है, एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है जब एक इंसान जिंदगी जिए तकवे वाली जिंदगी, अल्लाह की रजा वाली जिंदगी। और एक चीज है जिसकी चाहत और तमन्ना होनी चाहिए एक इंसान में, ही शुड बी ओपन टू इट। उसको पता चले जन्नत में एंट्री है तकवे वालों की, हाँ अल्लाह के दोस्त होते हैं तकवे वाले, दुनिया आखिरत दोनों में आसानी है। दुनिया में अल्लाह ताला रास्ता निकालेगा तकवे वालों के लिए, रास्ता निकालेगा अल्लाह, उन्हें दुनिया में भी रिस्क देगा, आखिरत में भी अल्लाह ताला कामयाबी देगा। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत बड़ा फायदा है, फर्क करने की सलाहियत मिलती है, गुनाह माफ होते हैं तकवे से, दुनिया गुनाहों से दूरी मिलती है, गुनाहों की जिंदगी से दूरी मिलती है तकवा से। ये है फर्स्ट चीज हमने देखा, पांच बेनिफिट्स तकवे की। फिर तकवा हासिल कैसे करना है, तकवा हासिल करने के लिए कुछ चीजें कुरान और हदीस में दी हुई है जिससे हमें तकवा मिलता है। तकवा ऐसे नहीं कि रैंडम प्रोसेस, ऐसे ही चलते चलते ये रास्ते चलते आदमी को बस किसी को तकवा मिल गया, ऐसे नहीं होता है। तीसरी चीज हमने देखी कि रोजे के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। रोजे के बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। रोजा एक बहुत ही बड़ी चीज है, एक बहुत ही बड़ी इबादत है जैसे कि हमने देखा। और चौथे सेक्शन में हमने देखा कि रमजान में कैसे अल्लाह ताला ने माहौल को बनाया है हमारे लिए ताकि हम ईमान में नर्चर होके डेवलप होके तकवा इख्तियार करें, तकवा हमारे अंदर डेवलप हो जाए। ये चार चीजें हमने आज देखी। यहां तक अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ऑफिशियली हमारा सेशन यहाँ खत्म हो गया है और अनऑफिशियली मैं चंद सवालात यहाँ पे ले रहा हूँ इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। Zaid bhai, there is a lot of questions on Q&A. You can see them. Okay. Okay. तो let's start. Shakil bhai, मैं कौन सा लूँ? ये ऊपर वाला Q&A. If you can press on Q&A, तो ऊपर से नीचे आप आ सकते हो. Okay. Old and new. रमजान में शैतान नहीं रहता तब भी माइंड डाइवर्ट होता है तो क्या करें? देखिए, जैसे मैं बताया कि सब शैतान कैद नहीं होते हैं, बड़े बड़े सरकश शैतान कैद होते हैं और कुछ शैतान बाकी होते हैं जो इंसान को बहकाते हैं, बुलाते हैं, ये सब होते हैं, उनसे तो डील करना है। क्योंकि अगर टोटल भी नहीं होते ना तो ट्रेनिंग ही हमारी नहीं हो पाती। जैसे नकली आग थोड़ी होती है ना, आग तो होती है कि नहीं होती फायर फाइटर्स के लिए? कुछ भी आग ही नहीं हो, अगर उनको सिर्फ फोटो बता दे, बोले भाई तुम फायर फाइटर, तुम ये फायर फाइटिंग लेके ये फोटो में आग दिख रही है ना, ऐसे फाइट करने का, तो ये थोड़ी ट्रेनिंग हुई। कुछ तो आग चाहिए ना फायर फाइटर्स को। तो कुछ शैतान होते हैं लेकिन उनको हम हराना हमारे लिए नॉर्मल डे से आसान होता है इंशाल्लाह। हां, अब एक इंसान अपने आप को कमजोर ना समझे। देखो क्या होता है ना, अगर अपने आप को ट्यूनिंग ही करेंगे ना, नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, अल्लाह की मदद से होगा इंशाल्लाह, अल्लाह की मदद से होगा। अल्लाह से मदद तलब कर रहा है कि इंसान बिज़्निल्लाह शैतान को डिफीट करेंगे, अल्लाह की मदद से डिफीट करेंगे। मैं कमजोर हूं लेकिन मेरा रब स्ट्रॉन्ग है, मैं उस पर डिपेंड होता हूं, मैं उसकी मदद मांग रहा हूं, मैं उसकी मदद मांगता हूं। आई वॉन्ट तकवा, अल्लाह माती नफसी तकवा, अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा दे दे। मैं हूं कमजोर इंसान हूं, मैं गुनहगार इंसान हूं, लेकिन मुझे अल्लाह तू तेरे फजल से तकवा दे दे। आई एम आस्किंग फॉर अल्लाह फजल। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पॉजिटिविटी रखें उसमें, नेगेटिविटी होगी ना शैतान को बहुत अच्छी लगती है नेगेटिविटी। ओके, नेक्स्ट, अगला सवाल। जैसे कि वादा है अल्लाह ताला का कि रमजान में दुआएं कबूल होती है और शब कद्र में दुआ कबूल होती है, लेकिन फिर भी सालों से दुआ कबूल ना हो, तो इसका क्या मतलब है? देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दुआ की कबूलियत के कई वक्त होते हैं। पूरे साल भर रात का आखिरी एक तिहाई है, हाँ साल भर रात का आखिरी एक तिहाई है। सफर में बारिश हो रही है उस दौरान, माँ बाप की बच्चों के लिए मजलूम की दुआ, हाँ ये सब सारी चीजें है। और हम देखते हैं उसी तरह जो रमदान की खास लैलतुल कद्र के ताल्लुक से ये सब भी जिक्र आती है। ये बात याद रखिए, कबूलियत के अंदर हो कौन तुम, बंदा जब दुआ करता है ना तो कई बार अपनी हैसियत भूल जाता है, तुम हो कौन। देखो समझो, फर्क समझो। मिसाल के तौर पे मेरा कोई अगर सर्वेंट है, आपका कोई सर्वेंट है और आप सर्वेंट से कहते हो सर्वेंट ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो, ओके? या जैसे गुलाम है कोई,
गुलाम ये काम करो, ये गुलाम ये काम करो। लोग दुआ में समझते नहीं है कि वो है कौन। हम भिखारी हैं, हम अल्लाह से मांग रहे हैं, हम रब नहीं है कि हम अल्लाह को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अल्लाह मुझे लिए ये दे दे। अरे तुम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मांग रहे हो, पहले तो तुम हो कौन। देखो रियल बात ये है ना कि बंदा मांग रहा है, लेकिन कई बार बंदे अपनी कम इल्मी की वजह से गलत चीज मांगते हैं, अपने लिए ऐसी चीज मांगते हैं जो उनके लिए बुरी है। अब अल्लाह जानता है बुरी है वो, तो अल्लाह ताला वो नहीं देगा, नहीं देगा। वो रब है, वो तुम्हारा खैर खा है, वो जानता है, उस पर भरोसा करो ना। जब अल्लाह ताला कोई चीज देता है ना, याद रखिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब हम दुआ करते हैं ना, कंफर्म गारंटी कि हर दुआ कबूल करता है अल्लाह ताला, हर दुआ कबूल करता है। या तो अल्लाह वो दे देता है, या तो उसके बराबर कोई तकलीफ आने वाली थी वो तकलीफ रोक देता है, या तो अल्लाह ताला आखिरत के लिए रखता है जिस दिन नेकी की शक्ल में अल्लाह वो चीज देगा। लेकिन कोई चीज जाया नहीं होती सिवाय उस चीज के जब बंदा जल्दबाजी करता है। जल्दबाजी क्या है कि वो कहता है मैंने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने दिया नहीं, तो अल्लाह कहता है जल्दबाजी करोगे तो नहीं मिलेगी। और जैसा बंदा गुमान करता है अल्लाह के बारे में, बंदा अल्लाह बंदे के साथ वही करता है। तो हम जब दुआ करते हैं ना, तो अपनी हैसियत समझे, हम है कौन, हम रब से मांग रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं, हम कोई उसके मास्टर थोड़ी कि हमने बोल दिए उसने दिया नहीं। अरे व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ टू बी, मतलब थोड़ी हम्बलनेस होनी चाहिए कि इंसान में कि नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है कि इंसान अपने अल्लाह के साथ ऐसा दुआ करके ऐसा समझता है कि जैसे अल्लाह कोई गुलाम है उसका, औज़ु बिल्लाह। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू कंट्रोल एंगर ड्यूरिंग रमजान स्पेशली आफ्टर सम मैसिव फाइट्स विद द स्पाउस, प्लीज शेयर सम इफेक्टिव मेथड्स एज समबडी हुम द क्वेश्चनर नोज लूजेस अ टेंपर वेरी इजीली। तो सवाल ये है कि रमजान में बाज़ लोगों को गुस्सा बहुत आता है। हाँ, तो रोजा रखे हैं, खाना पानी सब कुछ नहीं है, अब उसके अंदर थोड़ा भी कोई गलत कर ले तो गुस्सा आ जाता है। तो अगर गुस्सा आता है ना, दिस इज योर टेस्ट। हम ये कहते हैं कि जो चीज आपकी कमजोरी है ना, उसको कैसे ओवरकम करना है, ये आपके टारगेट और गोल में से। और बल्कि नेक्स्ट संडे मैं यही चीज इंशाल्लाह थोड़ी डिटेल में कवर करने वाला हूँ कि जो भी आपका आपकी वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको कैसे ओवरकम करना है, वो कमी को कैसे पार अपने अंदर से निकालना है, वो कमी को कैसे दूर करना है इंशाल्लाह, उसे गोल बना करके कैसे कैसे हासिल करना है इंशाल्लाह, वो चीजें मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह लेने वाला हूँ। खास फोकस हमारा उस चीज पर है। मसाइल हम दो हफ्ते में देखने वाले हैं, थर्ड एंड फोर्थ वीक में मसाइल, सारे मसाइल देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के अंदर उसकी स्पिरिचुअलिटी जो है ना, रमजान की जो स्पिरिचुअलिटी जो मेन एसेंस है, हम उस पर फोकस हमारा होगा इंशाल्लाह। अगला सवाल, रमजान में पूरी तरह ईमान रखा और उसके बाद भी ईमान रखा पर एक बार गुनाह हो गया और तौबा भी कर लिए, तो क्या पहले रमजान में क्या मेरे ईमान पूरा नहीं था। देखिए, याद रखिए हम इंसान हैं और इंसानों से गुनाह होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु इब्नि आदम खता व खैरुल खताईन अत्तवाबून, सारे आदम की औलादों से खताएं होती है लेकिन खता करने वालों में सबसे अच्छे वो होते हैं जो बार बार तौबा करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक इंसान ऐसा हाई स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करता है ना, कि एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि कोई जब तौबा, जब ईमान वाला है, रमजान में रोजे रख रहा है, तो मतलब उससे गुनाह हो ही नहीं सकता। तो गुनाह हो सकते हैं, लेकिन जब तक एक इंसान जिंदा है तो उसे मायूस नहीं होना चाहिए, उसे अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगना चाहिए। वलम युसिरु अला मा फअलू वहुम यालमून, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134 है कि जानते बूझते हुए फिर उस गुनाह की तरफ वापस ना जाए, मतलब इस नीयत के साथ कि अल्लाह मैंने छोड़ दिया है गुनाह को, तो ये सिंसियर तौबा हुई। टेम्पररीली नहीं कि अल्लाह बस थोड़े दिन के लिए छोड़ रहा हूँ, बाद में करूंगा ये गुनाह, ऐसा नहीं होती तौबा। तौबा ऐसी होती कि अल्लाह तेरे लिए मैंने छोड़ दिया, सिर्फ तेरी रजा के लिए मैंने छोड़ दिया, जन्नत के लिए, आखिरत के लिए। जो आखिरत कीमती है ना, दुनिया सिर्फ इतनी सी है, आखिरत हमेशा हमेशा की है, तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया, तो ये सिंसियर तौबा है। तो बाज लोग क्या होते हैं ना, इतना हाई स्टैंडर्ड सारे इंसानों के लिए सेट करते हैं, अपने आप के लिए भी, कि थोड़ा सा भी हो गया तो समझते हैं कि अभी होगा ही नहीं, तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। और इसमें दोनों एक्सट्रीम समय बचना है। एक तरफ वो लोग हैं जो रहमत के नाम में इतने केयरलेस हो जाते हैं, इतने केयरलेस हो जाते हैं रहमत के नाम में कि गुनाह पे गुनाह करते आते हैं। और बाज लोग जो होते हैं जो रहमत का कंसेप्ट ही नहीं होता, इतने हार्श होते हैं कि वो अपने साथ दूसरों के साथ इतने सख्त होते हैं कि कुछ ही नहीं, कि कुछ गुनाह हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है मामला, हम इंसान है, अल्लाह ही जज करेगा हमें कयामत के दिन। दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में सही रास्ता है। बाज लोग सिर्फ रहमत की बात करते हैं, बाज लोग सिर्फ सजा की बात करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बताया नबी बाती, मेरे बंदों को बताओ अन्नी अनल गफूर रहीम, कि मैं माफ करने वाला रहम करने वाला हूँ। वा अन्ना अजाबी हुआ अजाबुल अलीम, लेकिन मेरा अजाब भी दर्दनाक अजाब है।
मतलब दोनों चीजें जरूरी है, डर भी जरूरी है, उम्मीद भी जरूरी है। नेक्स्ट, जन्नत और जहन्नम में आखिरत, जन्नत और जहन्नम आखिरत में होगी, रमजान में कैसे, ये कैसे हो सकता है? ओके, ये सवाल है सिस्टर का कि जन्नत और जहन्नम तो आखिरत में होगी, रमजान में कैसे जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, जन्नत के बारे में अल्लाह ताला ने क्लियरली बताया है, उद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने तैयार कर रखी है तकवे वालों के लिए। यानी हम सब जो बात कर रहे हैं ना यहाँ, जन्नत अपने पूरे स्प्लेंडर में, खूबसूरती, ब्यूटी के साथ रेडी है। यानी जैसा होता है ना कि बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, दुनिया में होता है कि अरे बिल्डर मैंने बुकिंग किया था, अरे वेटिंग अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी ट्रांजिट कैंप में तुम्हें रहना होगा, अभी फाइनल घर रेडी नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जाके देखो साइट पे, अरे अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि हम आखिरत में गए, हिसाब किताब हुआ, जन्नत जाके देखे, अरे अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी वेटिंग में रहो, ऐसा नहीं है। अभी से रेडी है जन्नत, अभी से रेडी है, अभी से। और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं रमजान में। जहन्नम भी रेडी है, अभी से रेडी है। तो सोच लो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कहाँ जाना है आपको, जन्नत जाना है, जहन्नम जाना है? यहाँ सवाल ये है कि हदीस रिलेशन विद पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू से हदीस का रिलेशन नहीं समझ में आया, कौन सा पॉइंट नंबर टू? मुझे आपका कौन सा पॉइंट नंबर टू मुझे पता नहीं है, क्योंकि चार सेक्शन थे ना, एटलीस्ट सेक्शन आप बोल देते तो मैं फिगर आउट कर सकता। अगला सवाल, नॉन मुस्लिम को सलाम कर सकते हैं? टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जवाब यह है कि कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में बहुत सारे दलाल है, शेख इब्न उसैमीन का फतवा भी है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अगला सवाल, तकवा आखिर होता क्या है सर? अल्लाह पर पूरी तरीके और यकीन, तरीका से यकीन करना। देखिए तकवा क्या है, परहेजगारी, यानी रुकना, गुनाहों से रुकना, नेकियों में बढ़ना, दोनों चीजें हैं। अल्लाह के डर से गुनाहों से रुकना, अल्लाह से मोहब्बत की वजह से नेकी में आगे बढ़ना, तकवा है। हाँ, तकवा क्या है? गुनाहों से रुकना, नेकी की तरफ बढ़ना। अबू हुरैरा से जब पूछा गया, उन्होंने कांटे वाली झाड़ी की मिसाल दी। नेक्स्ट, कि कांटे वाली झाड़ी से कैसे अपने कपड़ों को बचाता है, अपने जिस्म को बचा करके आदमी निकलता है, उसी तरह से गुनाहों से, गलत कामों से, नाफरमानी से, कुफ्र से अपने आप को बचा के निकालना, ये तकवा है। तकवा ईमान में भी होता है कि भाई ईमान वाली जो कुफ्र वाली चीजों से बचाना अपने आप को, ये भी तकवा है। अमल में भी कि भाई गुनाहों से, नाफरमानी से बचा के निकालना, ये तकवा है। अगला सवाल कि रोजे का बदला अल्लाह ताला खुद देंगे, बाकी सारी नेकी का बदला भी अल्लाह ताला देंगे, तो फिर इस हदीस में क्या बताया गया है? देखिए यहाँ पे बात ये हो रही है कि अल्लाह ताला ने इस हदीस का फुल लॉन्ग वर्जन आप अगर पढ़ोगे तो उसमें दिया गया है कि हर नेकी का अल्लाह ताला 10 गुना अजर देता है, कुछ नेकियों का अल्लाह ताला जैसे सदका की 700 times अजर देता है, और रमजान का अल्लाह ने कहा सौमुली, रोजा मेरे लिए है, वाना अजी भी, मैं उसका बदला दूंगा। यानी कितने गुना बदला है, हाउ मेनी टाइम्स, वो जिक्र नहीं है। देखिए बात समझिए कि अल्लाह ताला ने बहुत रहमत का मामला किया इंसानों के साथ। गुनाह करता है कि इंसान अल्लाह से माफी मांगता है सच्चे दिल से, अल्लाह उसे माफ कर देता है, सच्चे तौबा करे, सही तरह से तौबा करे, अल्लाह उसे माफ कर देता है। उसी तरह अल्लाह ताला ने नेकियों का बदला इक्वल टू द एफर्ट नहीं दिया, तुमने इतनी कोशिश की इसका इतना नेकी, इसकी इतनी नेकी, मतलब एफर्ट के बराबर नहीं रखा है अल्लाह ताला ने। गुनाहों का मामला ऐसा रखा है, गुनाह जितना उतना गुनाह उतनी सजा, गुनाहों के कंपैरिजन में है ना यहाँ पर, कि भाई गुनाह किए तो उतनी सजा, बस जितना गुनाह उतनी सजा। लेकिन नेकियों में अल्लाह ताला ने मल्टीप्लीकेशन रखा है, यानी तुमने एक नेकी की, अल्लाह उसका एक के बराबर एक नहीं देगा, 10 देगा, 700 देगा एक के बदले में। उसमें रोजे के बारे में अल्लाह ने कहा कि मैं इसका बदला दूंगा, स्पेसिफाइड नहीं, अल्लाह ने कहा मैं दूंगा, और स्पेशल वर्ड्स यूज किए गए। इससे क्या पता चला? देने वाला तो अल्लाह ही है, रोजी के 10 गुना भी देने वाला अल्लाह है, सदके के बदले में भी देने वाला अल्लाह है, लेकिन ये वर्ड से पता क्या चलता है? इसके लिए अल्लाह ने कहा अब मैं दूंगा। मैंने अब अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया है कि अल्लाह देगा, मतलब नंबर भी मेंशन नहीं, यानी हमारी जो कोशिश होती है ना, जो कुर्बानी होती है, रोजा रख रहे हैं तो तकलीफ उठा रहे हैं, तो अल्लाह कहता है इसका बदला मैं दूंगा। यानी सुभान अल्लाह, क्या बदला है उसके, हमारे मीजान तराजू में कितना हैवी वजन आने वाला है, वो कयामत के दिन ही हम देखेंगे तो बोलेंगे सुभान अल्लाह, मैं काश थोड़े और रोजे रख दिया होता, क्योंकि रोजे का बदला ने अल्लाह ने कहा मैं दूंगा। अल्लाह ने वर्ड जो यूज किए ना, इसके अंदर बहुत बड़ी बात होती है। तो ग्रामेटिकली गए सब चीज का बदला अल्लाह ही देगा, लेकिन यहाँ वर्ड से पता चल रहा है
हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करके अल्लाह देगा, वो अल्लाह ने कहा मैं दूंगा, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रोजेदार अल्लाह से मिलेगा, मिलता है, मतलब रोजेदार अल्लाह से मिलता है का मतलब क्या है? जो दो खुशी के वक्त है ना, पहला खुशी का वक्त जब इफ्तार करते हैं तो खुशी ही होती है, दूसरा खुशी का वक्त कब है? जब अल्लाह से मुलाकात होगी, तो मुलाकात तो सबकी होने वाली है, अल्लाह के सामने सबको खड़े रहना है ना, लेकिन अल्लाह का दीदार सिर्फ नेक लोगों को मिलेगा, बाज लोग अल्लाह ताला के सामने का दीदार करने नहीं मिलेगा, गुनहगार जो होंगे, महजूबून आता है कुरान में वर्ड्स। अब जब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी तो तब रोजेदार के लिए दूसरा खुशी का वक्त होगा, यानी रोजेदार जो रोजा रख के आया है दुनिया में, तो वो रोजे की बात जब जहां पे होगी तो खुशी होगी, अल्लाह से मुलाकात के वक्त में बहुत खुशी होगी, मिलेगी कि मैंने रोजा रखा था, अल्लाह ताला उसका ये बदला दे रहा है। दूसरा खुशी का वक्त, पहला खुशी का वक्त जब इफ्तार करते हैं, तो तभी तो खुशी होती है, हम लोग वो जानते ही है, अच्छा लगता है हा? लेकिन दूसरा खुशी का वक्त कब है? जब अल्लाह से मुलाकात होगी, हाँ जब अल्लाह से मुलाकात होगी ना, ही ना यलका रब्बहु, जब अपने रब से मुलाकात होगी तब दूसरा खुशी का वक्त होगा, यानी इतना भारी वजन आने वाला है तराजू में रोजे की वजह से, इतना अच्छा मामला होने वाला है कि अल्लाह से मुलाकात में खुशी होगी तभी। ओके अगला सवाल, कैस्ट्रेशन की मीनिंग क्या है, खस्सी करने का मतलब क्या है? दो सवाल यहाँ साथ में आए, और एक तीसरे का भी, खस्सी करने का क्या मतलब है? देखिए खस्सी करने का मतलब क्या है, खस्सी का मतलब क्या है, आपको पता है कि जो जान बकरे होते हैं उसमें अंडुल और खस्सी, जो खस्सी होते हैं ना उनके जो वो पार्ट होता है वो कैस्ट्रेशन में जो एक ऑर्गन होता है वो कट होता है, हाँ वो एक ऐसी चीज है जो एनिमल्स में होती है, और बास प्रीवियस कल्चर्स में जैसे रूहबानियत वो लोग इख्तियार करते थे, मोनास्टिसिज्म, शादी नहीं करते हैं कि तुम दीनदार बन रहे हो तो शादी नहीं करेंगे, हाँ दीनदार हो रहे हैं तब, तो ये चीज करते थे लोग कि अपने जो ऑर्गन्स है सेक्सुअल ऑर्गन को कट कर देते थे वहां पर, ताकि ख्वाहिश ही नहीं आए दिल में, ख्वाहिशात जो होती है ना एक इंसान को बुला रही है गलत चीज की तरफ, तो वो ख्वाहिश ही ना रहे इसलिए कैस्ट्रेशन करते थे बाज लोग प्रीवियस कल्चर्स में। इस्लाम में हराम है, मना है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जो बनाया है तुम्हें चेंज करने की कोई इजाजत नहीं है, अल्लाह ने जो बनाया है वो अल्लाह जानता है, अल्लाह के इल्म में है, और एक इंसान के नॉर्मल और नेचुरल रहने के लिए जो चीज चाहिए अल्लाह ताला ने वो सब एक इंसान को दी, और वो जरूरी थी तुम्हारे लिए इसलिए अल्लाह ने दी है, कोई चीज वेस्ट नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये है कि रोजा रखने से एक इंसान में वो एक इफेक्ट आता है, खस्सी करने वाला इफेक्ट, जिससे शहवत जो डिजायर्स है कंट्रोल में आते हैं, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-खिसा उम्मती असिया, मेरी उम्मत का खस्सी करना रोजा रखना है, रोजा रखने से जैसे कि वो सेक्सुअल डिजायर्स भी कंट्रोल में आते हैं। एक अगला सवाल यह है, व्हाट इज दियत, दियत क्या है? दियत क्या है? ब्लड मनी, जैसे ब्लड मनी जो होता है कि अगर किसी की एक्सीडेंटली हमारे हाथ से मौत हो गई है, जैसे गाड़ी चला रहे थे, केयरलेस गाड़ी चला रहे थे, किसी की डेथ हो गई, तो इस्लाम के अंदर दियत देना होता है, ब्लड मनी देना होता है। ब्लड मनी जो होती है वो उसको डिटरमाइन किया जाता है, जमाने के एतबार से फर्क भी होता है, तो कई लाख रुपए के बराबर होगी आज के जमाने में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से वहां पे बताया जाता है, तो ब्लड मनी है, तो ये दियत अदा करना होता है, और किसी की एक्सीडेंटल मौत हो गई तो दो कफारा है, एक तो दियत देना है, नंबर दो रोजा रखना है 2 महीने तक कंटिन्यूस। ओके एक मसला पूछा गया है, लेकिन मसाइल हम लोग लेने वाले हैं, डिटेल में लेने वाले, थर्ड एंड फोर्थ डे में लेने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी पे हमारा फोकस फर्स्ट एंड सेकेंड डे में है। रोजा छोड़ने का कफारा बता दें, रोजा छोड़ने का कफारा, रोजे का मामला ये है कि अगर कोई शख्स बीमार है या सफर पर है तो वो उसे दूसरे दिनों में पूरा करना चाहिए, और अगर कोई जानबूझ के नहीं रखता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, और बहुत बड़ा गुनाह है, उसे तौबा करना चाहिए, और इसके ताल्लुक से हम लोग डिटेल्स इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, इंशाल्लाह जब हमारे मसाइल आने वाले हैं तब हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। ओके रोजे के दौरान ब्रश कर सकते हैं? जी हाँ ब्रश कर सकते हैं, जैसे मिसवाक कर सकते हैं ना ऐसे ब्रश भी कर सकते हैं। सर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड आई डोंट नो हाउ मच टाइम यू वांट टू टेक, 71 क्वेश्चंस आर देयर एंड उसमें फिल्टर करना कि कौन से मसले मसाइल के क्या है, इट विल बी टू मच, सो यू डिसाइड। ठीक है मैं ओके
इफ्तार के वक्त, ठीक है ओके यस क्या वीडियो शेयर कर सकते हैं? भी हाँ, जी हाँ वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, नोट्स भी शेयर कर सकते हैं, कॉपीराइट्स नहीं है, आप शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह। शकील भाई यू वांट टू आंसर दिस? नो नो इट्स यू डिड वेल। ओके एक सवाल है, क्या पूरे शैतान को जाकर लिया जाता है? क्या मतलब क्या जकड़ लिया जाता है? जकड़ लिया जाता है। ओके नहीं सारे नहीं, सिर्फ बड़े बड़े शयातीन को जकड़ लिया जाता है, बड़े बड़े शयातीन। हाँ ओके इस क्लास के लिंक्स कहाँ मिलेंगे? शकील भाई जरा आप लिंक दे दीजिए। जी जी इंशाल्लाह। आप सभी को है ना ग्रुप ज्वाइन करना है, खूबसूरत रमदान का स्पेशल ग्रुप है, सिस्टर्स के लिए अलग है और ब्रदर्स के लिए अलग है। तो अभी जो हमने ईमान इंस्टीट्यूट /KR करके दिया हुआ है, वहाँ पे बटन्स हैं मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, तो आप वहाँ पे आगे क्लिक करें, ग्रुप ज्वाइन करें, आपको लिंक मिल जाएगी इंशाल्लाह फॉर द फ्यूचर क्लासेस एज वेल। एंड जस्ट जैसे आई जस्ट वांट टू टेल ऑल एवरीवन के आज जो लिंक से हमने ज्वाइन किया हुआ है, एक ही लिंक है, वो एक लिंक को याद रखें, ईमान इंस्टीट्यूट /KR खूबसूरत रमदान का KR, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो वहाँ डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगी, वहाँ पे आपको वीडियोस भी मिलेंगे एंड फ्यूचर की जूम लिंक भी वहीं मिलेगी। तो वो एक लिंक को आप संभाल के रखें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो हदीस हमने देखे कि रमदान की रातों में जहन्नम की आँख से लोग आजाद होते हैं, जन्नत जाते हैं, तो सवाल ये कि कयामत का दिन होगा, फैसला होगा, फिर लोग जन्नत जाएंगे और जहन्नम जाएंगे, तो अभी से आजाद कैसे होते हैं? इसमें आजाद होने का ये मतलब है कि ऐसे लोग हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो दुनिया में है लेकिन उनके काम और ईमान और उनके अमल की वजह से वो जहन्नम जाने वाले हैं, जहन्नम जाने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम का फैसला कोई शक्ल सूरत पे तो नहीं होने वाला है, खानदान और नसब और इलाके की वजह से तो नहीं होने वाला है, वो तो हमारे जजाम बिमा कानू या मलून जो करते थे उसी का बदला है ना। तो ऐसे हैं लोग जो अपने काम ऐसे काम करते हैं, वो ऐसी जिंदगी जीते हैं कि वो जहन्नम ही जाने वाले हैं, लेकिन आजाद होने का मतलब ये है कि वो जिंदगी छोड़कर जन्नत वाली जिंदगी ले लेते हैं। रमदान के महीने में ऐसे बहुत सारी जिंदगियां हैं जो बदलती हैं, और हर साल हर दिन रमदान की हर रात में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चेंज करके जन्नत की तरफ आ जाते हैं, जन्नत के रास्ते पर, यानी जहन्नम की आंख से आजाद होते हैं। इसका ये मतलब है कि अब वो जहन्नम नहीं जाने वाले, अब वो जन्नत जाने वाले हैं इंशाल्लाह। हाँ तो हम ये बात देखते हैं। ओके कंट्रोल, एंगर कंट्रोल हम लोग इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो ले रहे हैं उसके अंदर वो चीज कवर होने वाली है। एक सवाल ये है, क्या रमजान के बाद भी तकवा बरकरार रखना मुश्किल है? कोई ऐसा अमल बताइए। तकवा कंटिन्यू रखने में देखिए कैसा है ना, हैबिट फॉर्मिंग होती है जो हम लोग स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अगर एक इंसान अपने दिल को ओपन करे बस इखलास से, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे तकवा चाहिए, और जो आपको चाहिए ना, अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान को वही मिलेगा जिस चीज जो वो खुद चाहता है, जो वो खुद कोशिश करता है, जो पाकी चाहता है अल्लाह उसे पाक कर देगा, जो गनी बनना चाहता है अल्लाह उसे गनी कर देगा, जो सब्र करना चाहता है अल्लाह उसे सब्र देगा। हाँ तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा, तो हम तकवा चाहते हैं तो अल्लाह हमें तकवा देगा। ओपन करें अपने दिल को और जिंदगी जिए, नेकी में आगे बढ़े, तो तकवे का हासिल करने के अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में आगे कंटिन्यू करने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं इंशाल्लाह। जाहिर सी बात है रमजान के बाद ही स्ट्रगल भी स्ट्रगल है, जब शैतान आजाद होते हैं तभी भी स्ट्रगल है इंशाल्लाह, लेकिन जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं रमजान के बाद इंशाल्लाह, अगर एक इंसान इखलास के साथ इबादत करे, रमजान जैसी गुजारनी चाहिए वैसे गुजारे। ओके अगला सवाल, हम लोग दो सवाल और लेंगे इंशाल्लाह, फिर बाकी अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। जो फायदे तकवे के हैं, कुछ इस्तिगफार में भी वो फायदे हैं, तो दोनों में क्या कोई कनेक्शन है? देखिए व्हाट इज इस्तिगफार, इस्तिगफार क्या है कि एक इंसान अल्लाह से माफी मांग रहा है और सिंसियरली मांग रहा है, अल्लाह से सिंसियरली माफी मांग रहा है कि अल्लाह मैं ये गुनाह से तेरी माफी चाहता हूँ, हाँ, और गुनाह को छोड़कर गुनाह की मोहब्बत रखे नहीं, अनदम तौबा, गम ही तो तौबा है, वो गम होना चाहिए दिल में, एक इंसान के दिल में नदामत होनी चाहिए, गम होना चाहिए, ये तौबा है। तो तौबा क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक इंसान गुनाह से टर्न मार के निकी की तरफ, तौबा ताबा एतुबू से आता है जिसका मतलब है पलटना, रिटर्न होना, यानी चेंज करना, तो गुनाह से रास्ता बदल करके निकी की तरफ आ गए। लेकिन तकवा क्या है, जो चीज तौबा करने की वजह हो सकती है तकवा, तौबा करने के बाद तकवे का लेवल और बढ़ेगा क्योंकि निकी से तकवा बढ़ता है, तो तकवा एक ऐसा चीज है जैसे हमारे पास है ना ऐसा कोई मीटर नहीं है, तकवा मीटर, तकवा मीटर नहीं कि तकवा हाई तकवा लो,
तकवा ऊपर हो गया, तकवा डाउन हो गया. ऐसा ऐसी चीज हमें तकवे का ऐसा मीटर हमें नहीं दिखता है जैसे हम देख रहे हैं. लेकिन लेकिन तकवा एक्चुअली लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है. जब एक इंसान का तकवा हाई होगा वो गुनाहों से तौबा करके वो गुनाह को डिफीट करके निकी में बढ़ेगा आगे, और जब उसका लेवल लो होगा तो फिर क्या होगा, फिर वो गुनाहों में पड़ जाएगा. तो दो अलग चीजें हैं ये. अगला सवाल, और ये आखिरी सवाल है आज का इंशाल्लाह. ओके, रमजान के में सब शयातीन कैद हो जाते हैं तो कुछ लोग बुराई कैसे करते हैं? देखिए, बुराई करने की तीन वजह देखिए. फर्स्ट तो सब शयातीन कैद नहीं होते, बड़े बड़े शयातीन कैद होते हैं. नंबर दो ये कि जैसे आपने पंखे को देखा होगा, फैन को चल रहा है, स्विच ऑफ कर दिए तो भी थोड़ी देर तक घूम रहा है. 11 महीने तक जो बड़े बड़े शयातीन जो थे ना बाहर, और जो 11 महीने तक जो लोग शैतान की तरबियत में रहते हैं, तो 12वें महीने में जब वो ऑफ होते हैं ना शयातीन, तो भी एक इंसान वो रास्ते पे घूमता रहता है. सेकेंड रीजन. और थर्ड, जो नफ्स एक इंसान को बुराई की तरफ बुलाता है, नफ्स कैद नहीं होता है. वो नफ्स जो एक इंसान को बुलाता है ना, वो कैद नहीं होता है. और एक और वजह कि जो इंसानों में शयातीन है ना, इंसानों में भी शयातीन होते हैं, मालूम है ना आपको, जो बुराई की तरफ होते हैं. मिनल जिन्नती वन्नास, जिन्नों में भी होते हैं, इंसानों में भी होते हैं, जो वसवसा डालते हैं, लोगों को बुरी चीजों की तरफ बुलाते हैं. तो वो इंसान भी तो कैद नहीं होते ना, जो शयातीन इंसानों में से वो भी कैद नहीं होते हैं, वो भी आजाद होते हैं. तो वो जो बुराई फैला रहे हैं वो भी चल रही होती है. तो लेकिन फिर भी बड़े बड़े शयातीन तो कैद होते हैं. एक बहुत बड़ा काम आसान होता है, यानी माहौल थोड़ा इजियर होता है, लेकिन फिर भी ये वजहें हैं जो रमजान में भी कंटिन्यू होती है. चलिए, आज के लिए इतना, और हम लोग फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले संडे. और ईशा की नमाज के यहाँ जमात की टाइमिंग की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन शकील भाई, व्हाट टू डू, क्या हम लोग ऑफिशियली 10 मिनट लेट स्टार्ट करें? ऑफिशियली 9:10 ऑफिशियली 9:10 को शुरू करते हैं, 9:15 को शुरू करते हैं, 9:15 कर देते हैं ऑफिशियली, 9:15 to 10:45 कर देते हैं ऑफिशियल टाइमिंग इंशाल्लाह. हां, बिकॉज ईशा की जमात की टाइमिंग की वजह से थोड़ा डिफिकल्टी होगी अदरवाइज एवरी वीक. हाँ, तो हम लोग 9:15 इंशाल्लाह मिलते हैं अगले संडे. हाँ, आपको नोट्स इंशाल्लाह मिलेंगे, आप अपने सवाल वो नंबर पे भी शकील भाई चैट में भेजने वाले, एक वो शीट भेजने वाले, गूगल शीट जी, हाँ, जी भेज दिए सभी को भेज दिए. यही पे हम एंड करते हैं आज की क्लास. सुभान अल्लाह व बिहमदिका, शकील भाई कुछ अनाउंसमेंट.